निवासी अनारस का सौभाग्य इन सभी परिवारों ने पाया है। अनारस आइए गुरुदेव प्रारंभ करते हैं अनारस का। लाल लाल दाड़िम की धारा लाल लाल, लाल लाल दाड़िम की धारा लाल लाल, अभिषेक करो तो हो जाओ मालामाल, अभिषेक करो तो हो जाओ मालामाल। Om Reef Shim Kleem, Om Sam Tam Pam, Om Om Sam Sam, Dham Jam Shim Shim, Ram Ram Drim Drim, Dravay Dravay, Om Namo Arate, Bhagavate Srimati, Dharim Jam, Abhishekam Karomi Swaha, Karomi Swaha, Karomi Swaha, Jai Ho, Jai Ho, Jai Ho, Jai Ho, Jai Ho, Jai Ho, श्री पार्श्वनाथ के पूजन को मैं भक्ति भाव से आता हूँ, अब दाढ़ी व्रत की धारा कर जिनवर को अर्घ चढ़ाता हूँ। ओम भीष्म कृष्ण दाढ़ी व्रत अभिषेक की तुझे पलारी अर्घ होने पावती। अगला अभिषेक बोलिए करते हैं मौसम्बी रस का अभिषेक। मैं आपको और जानकारी दे दूं कि ये मौसम्बी जो फल है ये फल की उपज श्रीक्षेत्र कचनेर धर्म तीर्थ इसके परिसर में बहुत ज्यादा होती है और इसी मौसम्बी रस से अभिषेक करने का सौभाग्य पाने वाले के नाम हमारे किरण जी मास्टर यहाँ पर कह रहे हैं। किरण नाम पुकारे। मौसम्बी रस अभिषेक करने का सौभाग्य पाया है श्रीमान अशोक जी जवाहर जी शाह डोंबिवली निवासी, श्रीमान अद्विक जी अभिषेक जी अंबेकर औरंगाबाद निवासी, श्रीमती कमलाबाई मोतीलाल जी पहाड़े मालेगांव निवासी। इन सभी परिवारों ने मौसम्बी रस का अभिषेक करने का सौभाग्य पाया है। मौसम्बी रस प्रारंभ करते हैं। मौसम्बी रस श्री पार्श्वनाथ की पूजन को मैं भक्ति भाव से आता हूँ, मौसम्बी रस की धारा कर जिन भर को और बिछड़ाता हूँ। ओम ईश्वरात्मने मौसम के अभिषेक सभी के लिए बहुत सारा आशीर्वाद है। वहां पर मैंने पहले ही कहा था मुनिष्ठ जयकीर्ति जी विराजमान है और गणनी आदि का समी माता जी विराजमान है जो वहां पर चतुर्मास करें उनका परम सौभाग्य है। मेरा मुनिष्ठ जी को प्रति नमस्तु। माता जी को बहुत सारा आशीर्वाद है। माता जी शायद थोड़ा देर से आए वहां पर, अभी उधर विधान करके संपन्न करके आए हुए हैं। अब यहां पर अगले रस के लिए नाम बोले गुरुदेव। गुरुदेव मुख्य फल भारतवर्ष में मुख्य फल 14 होते हैं और इन 14 फलों में से 13 फलों की उपज हमारे महाराष्ट्र में होती है। बड़े सौभाग्यशाली महाराष्ट्र का है। लेकिन एक फल जो ऐसा है जो धरती का स्वर्ग जिसे कहा जाता है वो कश्मीर से आता है और उसी सफरचंद से अभिषेक करने का सौभाग्य पाने वाले जो परिवार है उसके नामों की घोषणा हमारे किरण जी कर रहे हैं। सफरचंद रस का अभिषेक करने का सौभाग्य पाया है मालेगांव निवासी श्रीमान अजीत जी अभिजीत जी पहाड़े परिवार, मालेगांव निवासी प्रतिभा प्रकाश जी पहाड़े परिवार एवं लासूर निवासी श्रीमान आनंद जी महावीर जी कंगवाल परिवार। इन सभी परिवारों ने सफरचंद रस खाने का अभिषेक पाने का सौभाग्य पाया। सफरचंद रस हाँ किरण जी पहाड़े, किरण पहाड़े राजा बाजार से आपका नाम भी इसमें आया हुआ। नाम नोट कर लें किरण मास्टर, किरण जी पहाड़े परिवार। आइए करेंगे सफरचंद दीजिए रस में। सेव फल रस का अभिषेक किया जा रहा है। आपका आयरन लोह बढ़े तत्व बढ़े इसलिए सेव फल रस का अभिषेक। जय हो चिंतामणि पार्श्वनाथ।
24 श्री पार्श्वनाथ की पूजन को मैं भक्ति भाव से आता हूँ। सब चंद्रस की धारा कर जिन पर को अर्घ चढ़ाता हूँ। आइए आम्र रस का सौभाग्य प्राप्त करने वाले परिवारों के नामों की घोषणा हमारे किरण जी यहाँ पर कर रहे हैं। जी आम आम जो फलों का राजा है और हमारे महाराष्ट्र की शान है, उसी आम्र रस से अभिषेक करने का सौभाग्य पाने वाले परिवार है। आम्र रस का अभिषेक पाने का सौभाग्य पाया है जो हर पूर्णिमा को यह सौभाग्य पाता है। न्यू जर्सी से कोपरगांव निवासी श्रीमान सुधाकर सा नेमिनाथ सा गनोरकर परिवार कोपरगांव एवं श्री अशोक जी जवाहर जी शाह डोंबिवली परिवार, इन दोनों परिवारों ने आम्र रस करने का सौभाग्य पाया है। आम्र रस जयंत जी प्रभाकर जी वटाने परिवार देवलगांव राजा से आपने आज के हारदान की भावना भाई है और एमसी जैन पत्रकार हेमलता चिकल थाना से उन्होंने आज अभी आमरस में अपना नाम दिया है। एमसी जैन पत्रकार जो कि चिकल थाना से है। बोलो चिंतावणी पार्श्वनाथ भगवान लीजिए आमरस का विस्तृत करेंगे। आमरस सुपक वै कनक छायै सामोदर मुदकारी भी सहकार रसिष्णानं कुर्म शर्मि चद्मना ओम ब्रीं श्रीं क्लीं हम सं तं पं हम हं सं तं जं जं छीं छीं द्रावै द्रावै ॐ नमो हरते भगवती श्रीमती अमृतस्वाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। जय हो चिंतावणी पार्श्वनाथ भगवान की जय। विचित्र कादिनाथ भगवान की जय। जुबली आचार्य भगवान श्री गुप्तेंद्र गुरुदेव की जय। बहुत बढ़िया नवीन भैया बहुत बढ़िया जी गुरुदेव गुरुदेव आर्घ्य श्री पार्श्व प्रभु के पूजन को मैं भक्ति भाव से आता हूँ। आमरस की धारा करके मैं दिन भर को अर्घ चढ़ाता हूँ। आम्रसाभिषेक में जल प्लादेर वर्ण पाऊंती स्वाहा। और आइए इसके पश्चात हम इक्षु रस का अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। और सोने पे सुहागा किसे कहते पता है? आदिनाथ भगवान का भी अभिषेक देखने का सौभाग्य इक्षु रस से हम प्राप्त कर रहे हैं और विशेष रूप से चिंतामणि बाबा के अभिषेक देखने का भी सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। इक्षु रस और आदिनाथ भगवान का पारना, ये बहुत बड़ा एक संबंध है। और कहते हैं कि इक्षुरस का यदि इक्षुरस के साथ यदि हम जिनेंद्र प्रभु के किसी प्रतिभा का अभिषेक करते हैं तो आदिनाथ प्रभु को आहार देने का सौभाग्य हम प्राप्त करते हैं। आइए चलते हैं इक्षुरस अभिषेक के लिए, नामों की घोषणा करेंगे। किरण जी इक्षुरस पाने का सौभाग्य पाया है पूना निवासी श्रीमान राहुल जी जयकुमार जी कालदाते, स्मिता राहुल कालदाते, सही राहुल कालदाते परिवार पूना, श्रीमान चिरायु अंकित पहाड़े मालेगांव निवासी, श्रीमान अभिजीत जी प्रकाश जी पहाड़े मालेगांव निवासी, श्रीमान रविंद्र सा सुमित सा खड़गपुरकर देवलगढ़ राजा जो कचने क्षेत्र के विश्वस्त है, श्रीमान विपुल बबन सा बांदे मुड़ावा निवासी, इन सभी परिवारों ने इक्षुरस का अभिषेक करने का सौभाग्य पाया है। इक्षुरस जिनको अपनी शुगर मिटानी है, डायबिटीज के रोग से बचना है, महारोगों से बचना है, वे अभिषेक का लाभ लेंगे। यहाँ पर धर्मतीर्थ पर जलाभिषेक हुआ है अर्चन आनंद नखाते परिवार के द्वारा और इक्षुरस हो रहा है राकेश सुषमा जैन प्रीत विहार राधेपुरी दिल्ली के द्वारा। और इसको अपने इक्षुरस नाम देना हो वे लाभ ले सकते हैं, पुण्य अर्जन कर सकते हैं। आगे जी अभिषेक दूध अभिषेक के बाबा का दूध का अभिषेक किया जाएगा। जिनको नाम पहुंचाना है हमारे किरण मास्टर के पास आप नाम पहुंचा दीजिए दूध के अभिषेक के लिए और पुण्य संचय करें दूध घी आदि आदि अभिषेक का लाभ दीजिए। और धर्मतीर्थ पर जो भी आहार दान में नाम दे रहे हैं उन सब भक्तों के मेरा बहुत सारा आशीर्वाद है। यंत्र के अभिषेक जिनके नाम आए हुए सबको मेरा बहुत सारा आशीर्वाद। आइए करते हैं हम लोग मिलकर के इक्षुरस का अभिषेक, भगवान को दिखलावे और लाभ लेवे। हमारे कश्मीर के विश्वस्त सुभाष जी बोरा हमारे पास में यहाँ पर आए हुए हैं। सुभाष जी को मेरा बहुत सारा आशीर्वाद, सब भक्तों के लिए आशीर्वाद है। इक्षुरस का अभिषेक भक्त्यललाटे तटदेशे निवेशितो चैनि हस्तेषुता सुरवरासुरमर्त्यनाथैनि तत्काल पीडित महेक्षुरस्य धारा
Om Ri Shim Kling, Ham Sam Tam Pam, Ham Ham Sam Sam, Jam Jam Shim Shim, Dravay Dravay, Bhagwati Shrimati, Shri Parsh Prabhu ki pujan ko main bhakti bhav se aata hu, चिंतामणि पारसनाथ, चिंतामणि पारसनाथ, हाँ गुरुदेव, ये जो अभिषेक है ये भगवान पार्सनाथ का अभिषेक और आदिनाथ भगवान दोनों अभिषेक आप यहाँ पर अभी लाइव भी देख रहे हैं और बाद में आपको पारस चैनल पर ही ये अभिषेक दोपहर में 12 से 2 के बीच में आपको देखने का मौका मिलेगा। तो आप ये अभिषेक का पूरा पूरा लाभ लीजिए। जो भी नाम यहाँ पर दे रहे हैं आपके नाम हमेशा हमेशा के लिए लाइव पर यूट्यूब पर लाइव हो जा रहे हैं, अवश्य अपने नाम पहुंचाइए, आपके नाम से अभिषेक कराइए, चिंतन भगवान बाबा का अभिषेक करा के अपनी चिंताओं से मुक्ति पाइए। अगला अभिषेक भैया जी। जी गुरुदेव, बाबा की प्रतिमा को आप देख रहे हैं, बिल्कुल धड़ से अलग हुई प्रतिमा, उसके बाद उसको अपने आप वो प्रतिमा जुड़ गई, खंडित प्रतिमा जुड़ गई और आज इतनी अतिशयकारी प्रतिमा है कि उनके दरबार में पहुंच जाते हैं तो मनोवांछित फल मिल जाते हैं। जी हाँ, मैं उसी बात की बात कर रहा हूँ कि जब यह प्रतिमा भूगर्भ से पाई गई, भूगर्भ से प्रतिमा पाने के बाद इस प्रतिमा को विराजित किया गया, विराजित करने के बाद कुछ दिनों के बाद यह प्रतिमा धड़ से अपने आप अलग हो गई। अलग होने के बाद जैसा परंपरा अनुसार किया जाता है प्रतिमा के विसर्जन के लिए निकल पड़े, लेकिन सेठ लच्छीराम जो पिंपरी राजा के थे उनको एक दृष्टांत हुआ। बाबा उनके सपने में गए और बाबा ने कहा कि मुझे 7 दिनों तक घी और शक्कर में इक्षुरस का अभिषेक हमने किया है और अभी ग्रहत का अभिषेक कर रहे हैं, घी और शक्कर में मुझे रखिएगा, वहां ताले लगा दिए गए और भजन कीर्तन कीजिएगा। लगातार 7 दिनों तक वहां पर रात दिन भजन कीर्तन चले, 7वें दिन अपने आप ताले टूट गए, संकल्प टूट गई और बाबा की प्रतिमा जुड़ करके वहां से वापस निकल गई। ये महत्व है ग्रहत का, ये महत्व है शर्करा का और ये महत्व है बाबा का, और ये महत्व है कि बड़े बाबा का अभिषेक छोटे बाबा के मुखारविंद से यहाँ पर संपन्न हो रहा है। आइए, ग्रहत अभिषेक करने का सौभाग्य पाने वाले जो परिवार है, इसमें 2 नाम मेरे पास आए हैं, मैं उन दोनों नामों की घोषणा पहले कर देता हूँ। सौशैला अशोक लोहाड़े औरंगाबाद से और आदरणीय सतीश जी माखे थाने से, साथ में अमृता राजपाल भी ग्रहत अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त कर रही है। मैं किरण से निवेदन करूंगा, साथ ही ग्रहत अभिषेक करने का सौभाग्य पाया है तिलोत्मा पवन कुमार जी कोरडे, चारुशिला पवन कुमार जी कोरडे, वार्षिक पुना निवासी श्रीमान विनीत जी, विकास जी, बाहुबली जी कुरमुड़े, बार्षी परिवार, बार्षी निवासी सौ राखी सोमेश जी खोले जालना निवासी एवं श्री सीमा संजीव संकल्प सिद्धांत शाह पुना निवासी, साथ ही परम पूज्य मंत्र महर्षि योग भूषण जी गुरुदेव, शिल्लक श्री योग भूषण जी गुरुदेव, हस्ते रविंद्र साह सुमित साह खड़गपुरकर देवोग राजा, इन्होंने भी ग्रहत अभिषेक करने का सौभाग्य पाया है। नितिन जी नखाते साहब और राजेश जी जैन नागपुर निवासी, इन परिवारों से भी ग्रहत अभिषेक करने का सौभाग्य पाया है गुरुदेव। ग्रहत अभिषेक आप कर रहे हैं, लाभ लेंगे। और धर्म तीर्थ पर कुमारी रिया जी संपदा मुकेशन परिवार नागपुर और कुमारी सोनिया मुझे प्रफुल्ल अनिता जैन परिवार बीड़, आपके द्वारा ग्रहताभिषेक यहाँ पर किया जा रहा है। सभी परिवारों को मेरा बहुत सारा आशीर्वाद है। आप सभी से आह्वान है कि आप सभी भगवान का अभिषेक देखें, एक दूसरे को और मैसेज करते हुए, आज पहला दिन है वर्षा योग का और विशेषण जयंती गुरु पूर्णिमा दोनों आज हमारी एक साथ में है। ऐसे महामहोत्सव में आप आदिनाथ भगवान पार्सनाथ बाबा का अभिषेक एक साथ में आप देख रहे हैं, तो अपने अपने घरों पर ताली बजा करके भगवान के अभिषेक का अनुमोदन निरंतर करते रहिए और जितना बने आपसे अभी भी हमारे किरण मास्टर के पास में प्रवीण जी के पास में अभिषेक के नाम पहुंचा देवे। और गुरु पूर्णिमा है तो गुरु पूर्णिमा को कश्मीर में भी जो साधु हैं और यहाँ धर्म दीप का जो संघ है वहां पर अपनी ओर से आहार दान देकर के आप पुण्यार्जन करें। ये आहार दान का उपाय भी आपको जो है लाइव देखने का मौका आपको प्राप्त होगा। आप आहार दान भी देंगे, जिन्हें नाम पहुंचाया उनके द्वारा आहार दान भी होगा और उसके पश्चात दोपहर में ठीक 12 से लेकर 2 के बीच में भारत चैनल पर लाइव आपको यह अभिषेक देखने मिलेगा, तो अवश्य अपनी ओर से पुण्यार्जन करें। आइए हम करते हैं ग्रहताभिषेक। बोलो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। इंद्र कराए रहे पूजा बाबा के द्वारे झूम झूम
की इंद्र कराई रहे पूजा बाबा के द्वारे छूट छूट कष्ट वर्णन है मरसा भी रामा देह प्रभाव लय संगम युक्त रीति धामृत शबुलंद गुण रुमिरिया आदि पार्श के पूजन को मैं भक्ति भाव से आता हूँ भक्ति धारा करके मैं दिन भर को अर्घ चढ़ाता हूँ ओम भीष्म प्रतापशी कृष्ण प्रलाद रूपम स्वाहा। अभी आपने सबसे सुंदर घी का अभिषेक देखने को मिलता है कचनेर में। आपने प्रवीण जी के माध्यम सुना कि पहले घटना घटी थी और भगवान बाबा को चिंतन बाबा को उससे सपना उन्होंने दिया और 7 दिन तक घी चक्र में भगवान को रखा गया और भगवान अखंड रूप प्रकट हुए। भगवान ने अभी भी अतिशय दिखलाया है। 2017 में पुनः भगवान के बीच में कुछ व्यवधान आए और बाबा ने मुझे मौका दिया, अवसर दिया, सौभाग्य दिया और 25 जून 2017 को बाबा की पुनः प्रतिष्ठा करने का, प्राण प्रतिष्ठा करने का, पंचकरण करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। जय हो, जय हो। कुछ न कुछ बाबा से मेरा पूर्व जन्म का नाता है, वरना जन्म कहाँ कहाँ दीक्षा ली और यहाँ आकर बाबा के चरणों में धर्म तीर्थ का निर्माण हो रहा है। बाबा का बहुत बड़ा अतिशय है, उनकी कृपा है। आज हम बाबा का अभिषेक जिस अभिषेक संपन्न किया है इसके बाद दूध का अभिषेक रहेगा और दूध के अभिषेक में नाम यहाँ हमारे किरण मास्टर बोलेंगे। उसके पहले मैं चाहूंगा कि वहाँ पर मुनिष्ठी जय कीर्ति जी विराजमान है तो मुनिष्ठी जय कीर्ति जी वहाँ पर दूध के अभिषेक का संक्षिप्त महत्व बतलावे। मुनिष्ठी जय कीर्ति जी दूध के अभिषेक के लिए 2 शब्द अपने, उसके बाद दूध का अभिषेक होगा। बड़े चिंतन पार्श्वनाथ भगवान की जय। यहाँ पर साक्षात विराजमान श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान विराजमान है, जिनका आषाढ़ पूनम का गुरु पूर्णिमा का अभिषेक प्रारंभ है। ऐसा हमारे शास्त्र में कहा जाता है कि जो दिनेन्द्र भगवान का दूध से अभिषेक करता है उसे दूध के समान सफेद स्वर्ग के विमानों में जन्म होता है। तो दूध से भगवान का अभिषेक करता है उसकी भावनाएं दूध के समान सफेद और पवित्र होती हैं, उसकी लेशाएं उसके प्रणाम दूध के समान पवित्र होते हैं। जिस प्रकार से दूध बच्चे को इस जीव के लिए जन्म लेने के बाद में सबसे प्रथम आहार होता है, जीवन का आधार होता है और शरीर को पुष्ट करता है, इसी प्रकार से यह इंद्र भगवान का दूध से किया गया अभिषेक हमारी आत्मा के लिए पुष्ट करता है, हमारी आत्मा की भावनाओं के लिए पुष्ट करता है, हमारे मन को पुष्ट करता है। यह जो तुष्टि और पुष्टि प्राप्त होती है जो जिनेन्द्र भगवान का दूध से बहुत अधिक अभिषेक करता है, बार बार अभिषेक करता है, उसके जीवन में तुष्टि और पुष्टि की प्राप्ति होती है और साथ ही साथ धार्मिक कार्यों में विशुद्धि की प्राप्ति होती है एवं यह विशुद्धि बढ़ते बढ़ते एक दिन यह धवलता जब बढ़ जाती है तो केवल ज्ञान के रूप में परिणत होकर के और मोक्ष तक ले जाने में सक्षम यह दूध का अभिषेक होता है। उन्हें चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। और जब हम चिंतामणि बाबा का दूध का अभिषेक करते हैं तो उसका महत्व कुछ अलग होता है, क्योंकि एक संपत राव की दादी जो अपने घर के एक खिड़की में बैठा करती थी, उनकी एक गाय थी, गाय आया करती थी, आकर के एक टीले पर चली जाती थी और वहां पर अपना दूध अपने आप झड़ देती थी। संपत राव की दादी रोज इस सिलसिले को देखती थी। एक दिन दादी ने संपत राव को इस बात को कहा, गाय आई, संपत राव ने उस गाय को बांध दिया। बांधने के बाद उस गाय ने अपनी रस्सी संकल तोड़ी और संकल तोड़ के पुनः वो टीले पर जाकर के अपने आप दूध झड़ने लगी। इस बात को भी दादी ने संपत राव को कहा,
संपत राव ने फिर गांव के कुछ लोगों को जमा किया, वहां पर गए और उस टीले को खोदना प्रारंभ किया। टीले को खोदना प्रारंभ किया तो वहां पर चिंतामणि पारसनाथ भगवान प्रकट हुए। इसीलिए तो बाबा का जब हम दूध का अभिषेक करते हैं तो बाबा के प्रकट होने के उन दृश्यों को देखने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। आइए चलते हैं बाबा के दूध के अभिषेक के लिए, नामों की घोषणा कर रहे हैं किरण जी महाराज। दूध अभिषेक का सौभाग्य पाया है श्री क्षेत्र कचनेर के विश्वस्त देवगा निवासी श्रीमान रविंद्र साहब सुमित साह खड़गपुरकर साहब परिवार, श्री सौरभ महेंद्र जी, शांतिलाल जी मोड़ा से परिवार मसवाड़, श्री यश नितिन जी वैशाली श्रद्धा नखाते परिवार नागपुर एवं आज के इंद्र इंद्रानी और दूध अभिषेक के लिए सदैव तैयार रहते हैं ऐसे श्रीमान महेंद्र कुमार जी आज का दूध करने का सौभाग्य पाया इन सभी परिवारों ने दूध अभिषेक। यहाँ पे किसी का हैंड रेज है तो आपका नाम चैट बॉक्स में डाल दीजिए। आपने 9422 नंबर लिखा है तो आपका नाम समझ में नहीं आ रहा है, कृपया आपका नाम चैट बॉक्स में डाल दें। और धर्म तीर्थ पर दुधाभिषेक का लाभ लिया है हमारे धर्म तीर्थ के विश्वस्त श्रीमान नितिन वैशाली सत्यनखाते परिवार नागपुर और संजय शुभांकी अधिक पांडवपुर नागपुर, आप दोनों के द्वारा दुधाभिषेक यहाँ पर किया जा रहा है और संपूर्ण भक्तों का अभिषेक किया जा रहा है। हमारे संजय जी पापड़ीवाल जी जो हमारे यहाँ के विश्वस्त हैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष, आपका नाम भी आया हुआ है, हमारा उनको बहुत सारा आशीर्वाद है। संजय जी खबड़े, सीमा खबड़े, अमित जी जैन, आपका नाम भी यहाँ पर है, खूब सारा उनको आशीर्वाद सभी के लिए। लीजिए दूध अभिषेक, सारी गाय का दूध मंगा कर बाबा को नहला दो, बाबा को नहला दो, मेरे चिल्बर को नहला दो, आया आया ये त्योहार आया, गुरु पूर्णिमा का त्योहार आया, देखो देखो ये त्योहार आया, गुरु पूर्णिमा का त्योहार आया, संपूर्ण सार शशांक मरीचि जल, संदेरी बात ये साम सुप्रवाह, चिरंजीना सुतर ऋषि जवाना, बहुत बढ़िया। बाबा का दूध का अभिषेक बड़ा महत्वपूर्ण है और बाबा के दरबार में वहाँ चीटिंग नहीं चलती है। आज भी कचनेर में कोई बाहर से भक्त आता है और ग्वालों से दूध मांगने जाता है, गवली को दूध मांगने जाता है, तो ये गवली पूछते हैं गांव के कि भाई दूध आप कहाँ लेके जा रहे, किसके लिए। यदि उसने कहा कि मैं मंदिर में दूध का अभिषेक करने लेके जा रहा हूं, तो वो वहां का कचनेर का गवली भगवान के दूध के अभिषेक में एक बूंद पानी नहीं मिलाएगा, क्योंकि उसको पता है यदि उसने एक बूंद पानी मिला दिया तो अगले दिन उसकी गाय दूध देना बंद कर देती है। ऐसा अतिशय आज भी कश्मीर में है, ऐसा अतिशय भातपुरी के अंदर है, ये अतिशय हमें देखने मिलता है बाबा का। आइए अर्घ चढ़ाएंगे श्री आदि पार्श के पूजन को, मैं भक्ति भाव से आता हूं, अब दूध की धारा करके मैं जनवर को अर्घ चढ़ाता हूं, ओम श्री शरत्र श्रीम दुग्धाभिषेक दूध से बनने वाला दही, उस दही से बाबा का अभिषेक किया जाएगा। दही जो करते हैं अभिषेक, दही से भगवान का अभिषेक करने पर मूर्ति चमकती है, कांतिमान होती है और सारी सचिकरण तो वहां से निकल जाती है। दूध से अभिषेक करने वाला आखिर शुक्रेशा का धारी बनता है, केवली अरहंत बनता है, परम शुक्रेशा का धारी बनता है, केवली अरहंत बनता है, समान फल बताया है। ताइए दूध का अभिषेक किया जाएगा, उसके नाम बोले वहां पर। आइए दही अभिषेक में, दही अभिषेक में एक नाम मेरे पास जो आया है वो विशाल जी कोमल जी सैतवाल बैंकॉक थाईलैंड से। भैया यदि हमारे बैंकॉक वाले विशाल जी स्पॉट करते आए तो एक मिनट के लिए उनको स्पॉट कर देना, तब तक हमारे किरण जी दही अभिषेक के नाम यहाँ पर दे रहे हैं। दही अभिषेक करने का सौभाग्य पाया है श्रीमान कुशल जी पारस कुमार जी गोसावी, श्रीमान पारस कुमार जी केशव चंद जी गोसावी, सौ हर्षदा ऋषिकेश जी कस्तूरे बारसी निवासी, इन सभी परिवारों ने दही अभिषेक करने का सौभाग्य पाया है। साथ ही ईशान जी सैतवाल साहब, हमारे विचार किया धर्म तीर्थ के हमारे संघ के परम भक्त हैं,
और पूरे जब से जुम्मा आईडी शुरू हुई है, बल्कि जहां से औरंगाबाद से जब बैंकांग गए हैं, निरंतर उनके पूरे परिवार का योगदान हर अभिषेक महोत्सव में रहता है। मेरा विशाल भैया कोमल जी को बहुत सारा आशीर्वाद। कल के लिए संपूर्ण कुबेर यंत्र में आपने नाम दिया है और यहाँ पर आज हरदन उनका नाम आया हुआ, चंद्रम उनका नाम आया हुआ है। कोमल विशाल को मेरा खूब सारा आशीर्वाद, ऐसी विशालता आपको प्राप्त हुए। आप दोनों हाथ से कमाए और हजार हाथ से धर्म क्षेत्र में लगाए, मेरा खूब सारा आपको आशीर्वाद। आइए करेंगे हम दही अभिषेक, लीजिए। बचे दूध का दही बनाकर बाबा को नहला दो, बाबा को नहला दो, मेरे जिनवर को नहला दो। आया आया ये त्योहार आया, जिन भक्ति का त्योहार आया। देखो देखो ये त्योहार आया, गुरु पूर्णिमा का त्योहार आया। दुग्धाती बीचि पैसंचित फेन राशि, पांडुत्व का तिमव धीर यतामति व ददनांगता जिनपते पद्मा सुधारा, संपैते काम संपति वंच सितेना। हम रिशिम क्लीम, हम सम सम पम, हम सम सम, जम जम शिम शिम, द्रावे द्रावे, नवते शिमते, नाम शेकम करो विस्वाहा, करो विस्वाहा, करो विस्वाहा। दोनों जगह आपको दही अभिषेक देखने मिल रहा है, एक साथ मेंटेन होकर के दोनों जगह का आप लाभ ले रहे हैं, डबल बोनस आपको प्राप्त हो रहा है। चढ़ाएंगे अरविंद श्री आदिपाश की पूजन को, मैं भक्ति भाव से आता हूं, अब दही की धारा करके मैं जीव को चढ़ाता हूं। आइए संपूर्ण रोगों के मिटाने के लिए शुरुआत किया जाएगा। और अभिषेक के शुरुआत होने से पहले मैं चाहूंगा कि वहां पर विराजमान है गणनी आरिका छमाशी माता जी, गणनी आरिका छमाशी माता जी, जिनके अंदर सेवा की भावना बहुत भरी हुई है, सेवा की भावना बहुत ज्यादा है। इसलिए हमारे गुरुदेव ने इस शिविर में उन्हें पदवी प्रदान की है सेवा तपस्विनी, मैं कहूंगा सेवा चिंतामणि। सेवा की भावना बहुत ज्यादा माता जी के अंदर है और सर्वोषधि सेवा के लिए विशेष अभिषेक है, रोग निवारण का अभिषेक है। यदि कोई रोगी दिख जाए तो माता जी सारे काम छोड़ करके उनकी सेवा में लग जाती है। ऐसी गणनी आरिका छमाशी माता जी सर्वोषधि अभिषेक के विषय में थोड़ा सा महत्व बतलाएंगी। उसके पश्चात होगा सर्वोषधि अभिषेक और किरण मास्टर हमारे प्रवीण उनके नाम बताएंगे। माता जी पास डिवाइस कीजिए। माता जी को डिवाइस करते हुए जी गुरुदेव कर रहे प्रमोद करें मंगलोवणी मंगलम कुंभ कुंभाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगल बलवंता सिद्धवनिष्ठ भगवान की चिंतावन पार्श्वनाथ भगवान की राधापति वंदनाचार कुंती सर गुरुदेव की आचार्य श्री कृष्ण सागर गुरुदेव की आचार्य श्री कनक नंदी गुरुदेव की आचार्य श्री गुप्ति नंदी गुरुदेव की जय आत्मनि श्री जय कीर्ति महाराज की अनुभव गुरुदेव ने कहा है कि सर्व औषधि के बारे में बताएं तो हमारे यहाँ जो भी पंचामृत अभिषेक होता है सबका अपना अपना महत्व है। अभी आपने दूध दही का महत्व समझा और सर्वौषधि का अभिषेक करने वालों को रोग नहीं होता, परंतु बशर्ते कि हम उस भावना से करें, सिर्फ रूढ़िवादिता से या उसका अर्थ ना समझते हुए करने से उसका फल नहीं मिलता। तो फल प्राप्त करने के लिए आचार्य ने कहा है कि सर्व औषधि का अभिषेक करें, उसके मन भरें और सर्व औषधि में ऐसे दिव्य तत्व बताए गए हैं। हमारे आचार्य सुपर साइंटिस्ट थे, हमारे भगवंत सुपर साइंटिस्ट थे, उन्होंने किसी पथवाद या मतवाद के लिए, पंथवाद या मतवाद की पुष्टि के लिए यह अभिषेक नहीं बताया है, बल्कि प्रतिमाओं की सुरक्षा के लिए और हमारी सुरक्षा के लिए यह सारा आगम विधान बताया गया है। और जो भव्य जीव
इसके अनुसार चलते हैं वे, इस जन्म में नहीं जन्म जन्म में निरोगी काया प्राप्त करके एक दिन मोक्ष का सुख प्राप्त कर लेते हैं। तो यह सर्वौषधि का अभिषेक, इसमें जो औषधियां हैं उसके माध्यम से दूध दही घी का अभिषेक करने के बाद आपके मन में जो बहम होता है कि चींटी लग जाएगी, ये होता है वो होता, नहीं, सर्वौषधि में ऐसी दिव्य औषधियां होती हैं कि उसके माध्यम से प्रतिमा को भी कोई हानि नहीं होती और उसकी सुगंधी से हमारे भी सारे रोग दूर हो जाते हैं। कोरोना जैसी बीमारी महामारी फिर से आने वाली है, षड्यंत्र चालू है, इसलिए सावधान रहें और सर्वौषधि से अभिषेक करें और घर में गुड़वेल पीते रहें। गुड़वेल इज गुडविल, गुड़वेल गिलोय का काढ़ा बनाकर पिए और डॉक्टरों से सावधान रहें। कई जगह हम डर के मर गए, जो डर गया सो मर गया। हमें बीमारी से डरना नहीं है, बीमारी से बचना है, पब्लिक से दूर रहना है, क्योंकि बहाना मारते कि आपने उसको छुआ इसलिए कोरोना आ गया। तो कोरोना से ना डरते हुए हमें भगवान की भक्ति करना है और सर्वौषधि की धारा करके अपने जीवन को निरोगी बनाना है। तो आप सभी अभिषेक देख रहे हैं, आचार्य गुप्ती नंदी गुरुदेव आपको प्रेरणा दे रहे हैं, कभी आचार्य देवनंदी कभी गुणधर नंदी सभी साधु आपको पुण्य मार्ग में लगा रहे हैं। इस पुण्य से ही आप बचेंगे, ये पुण्य ही आपके काम आएगा। तो सर्वौषधि की धारा करके आप अपने तन को निरोगी बनाएं, मन को निरोगी बनाएं और अपने कॉन्फिडेंस को बनाएं। विल पावर इज द मस्ट पावर, अपना विल पावर बनाकर रखें, क्योंकि हम जैनियों में कमी होती, हम डर जाते हैं, बहुत जल्दी डर जाते हैं और पैसा फेंकने लगते हैं और पैसे को देख करके डॉक्टर आपका शोषण करते हैं, आपको डरवा देते हैं और आप उसमें धक्का खा के मर जाते हैं। तो ना किसी को अपना पैसा दिखाए, दान दे, भगवान को पैसा दिखाए, गुरुओं की भक्ति करे, दान दे और अपने हाथ से साधुओं को आहार बनाकर दोगे तो कभी रोगी नहीं होगे। ये जो हमारी परंपरा खत्म हो गई है, तालियां बजाना अच्छा लग रहा लेकिन चौका लगाए कौन माता जी? ताली बजाने से, झूम में बैठ करके साधुओं को आहार देने से काम नहीं चलेगा। साधु खा रहे नौकर का हाथ का और आप झूम में दान दे रहे हो, यहाँ वहां दान दे रहे हो, उससे काम चलने, अपने हाथ से मेहनत करो, पसीना बहाओ, साधु के साथ विहार करो, साधुओं को आहार दो। मैं शर्त के साथ चिंतामणि बाबा के सामने कहती हूँ, कभी आपको कोरोना नहीं सताएगा। पहले के हमारे लोग, पुरानी महिलाएं साधुओं के पास संग लाने के जाती थी, आहार देती थी। ये देखो सामने बैठी है, मुनिश्रत माता जी को हाथ से आटा पीस पीस कर खिलाया है, अभी दो पास एक आहार करती है, पैदल वहां से आती है, 85 साल की है, सामने उदाहरण हमारे पास है। तो हम संतों की सेवा करेंगे, संतों की आशीर्वाद में अगर हम रहेंगे तो हमें कोरोना होगा ना चिकन गोनिया होगा ना माकड़ गोनिया, कुछ भी नहीं होगा। और सर्वौषधि की धारा करेंगे तो हमारे ऊपर कभी कोई संकट आने वाला नहीं है। तो संत आपके लिए मार्ग बता रहे हैं, संत मुक्तामणि काशनाथ भगवान की जय। सर्वौषधि पाने का सौभाग्य पाया है फातूर अकोला निवासी वामादेवी मंजूषा आशीष जी गुलालकरी परिवार अकोला, श्रीमती मीनू जैन, सम्मति जैन, ऐश्वर्या जैन सहपरिवार मुंबई, श्रीमान पदम कुमार जी, स्वप्निल जी पांड्या हैदराबाद निवासी, सौ श्वेता आदित्य पाटनी परिवार जालना निवासी, श्रीमान यश, नितिन जी, वैशाली जी, श्रद्धा नखाते, हर्षिता, तृप्ति, जोगी जी परिवार नागपुर निवासी, नितिन जी नखाते साहब का परिवार, श्रीमान राजेश जी, रूपाली राजेश जी, प्रियांशु चिराग जैन परिवार नागपुर, साथ ही श्रीमान आरआर पहाड़े साहब जो यात्रा के कार्तिक पूर्णिमा के इंद्र इंद्रियानी थे, ऐसा पहाड़े परिवार औरंगाबाद निवासी, श्रीमान
प्रकाश चंद जी पाटनी काका जी जो श्री क्षेत्र कचनेर के विश्वस्त है, औरंगाबाद निवासी पाटनी परिवार औरंगाबाद निवासी, इन सभी परिवारों की ओर से सर्व औषधि का यहाँ अभिषेक करने का सौभाग्य पाया है गुरुदेव सर्व औषधि। यहाँ पे भी दो हैंडेज है, नीलम जी पहाड़े जी और संगीता जी राजकुमार जी बढ़ जाती है। यहाँ पर सर्वोच्च नाम आए हुए हैं धर्म तीर्थ पर, सीमा संजय, सीमा खबड़े, गोमतेश खबड़े, आपने पूरा 12 महीने की औषधि का करा रहे हैं, साथ में पूरी महामस्तक अभिषेक की राशि और सचिन की राशि उन्होंने जमा की है, उन्हें मंगल कलश आशीर्वाद दे रहा हूँ, बहुत सारा उनको आशीर्वाद है और मंगल आपका। और साथ में राजेश रूपारी जैन परिवार नागपुर, हेमंत विद्या मेहता फल्टन, ललेश जानना और प्रतिवर्ती कासलीवाल परिवार औरंगाबाद, आपके द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर किया जा रहा है, पांचों परिवारों को मेरा बहुत सारा आशीर्वाद, खूब सारा आशीर्वाद। आइए प्रारंभ करते हैं सर्वश्रेष्ठ विषय। स्थापित से घर दुग्ध दधिक्ष वाहि सर्वाधीर औषधि वीर रतु ज्वलावृ उद्वर्धित संविधांशि कमेला काले कुंभ प्रसुत बड़वारी पूर्ण अर्घ लीजिए। श्री आदि पार्श्व के पूजन को मैं भक्ति भाव से आता हूँ, सर्वोषधि धारा करके मैं जिन वर को अर्घ चढ़ाता हूँ, ओम भीम शरद कृष्णिम सर्वौषधि अभिषेक में तीर्थलादिर्वण पावते स्वाहा। सर्वौषधि यहाँ पर हुआ है, इसके पश्चात चार कलश चतुष्कोण कलश। जी गुरुदेव, चतुष्कोण कलश अभिषेक से पहले मैं एक सूचना को आपको देना चाहूंगा। श्री क्षेत्र कचनेर जी में परम पूज्य मुनिश्री जयकुर्ति जी गुरुदेव वर्षा योग के लिए विराजमान है, परम पूज्य गणिनी माँ क्षमा श्री माता जी वर्षा योग के लिए ससंग विराजमान है। आज से श्री क्षेत्र कचनेर जी में चिंतामणि इष्ट विधान का 75 दिवसीय विधान का प्रारंभ हो चुका है, जो विधान 75 दिन तक चलेगा और यह विधान पूरा रत्नों से किया जाएगा। जयकीर्ति जी गुरुदेव की एक विशेषता रही है कि जब भी किसी भी कार्य को करते हैं, विधान आदि को करते हैं, तो उसकी गरिमा कुछ और दिखाई देती है, क्योंकि ये नंदी परिवार के सदस्य है और नंदी परिवार हमें पता है कि जब भक्ति के लिए आ जाता है तो अपने आप में एक अलग माहौल वहां पर बनता है। तो रोज एक इंद्र इंद्राणी परिवार वहां पर लगेगा जो 11,000 रुपए की राशि मंदिर में जमा कर इंद्र इंद्राणी बनकर इस विधान के इंद्र इंद्राणी बनने का सौभाग्य आप प्राप्त कर सकेंगे। मैं परम पूज्य गुरुदेव से शांति धारा से पहले आचार्य श्री से आज्ञा लेकर के जय कीर्ति जी गुरुदेव इसके बारे में एक 5 मिनट में प्रकाश डालेंगे। चलिए उसमें हम पहले चतुष्कोण कलश का अभिषेक करते हैं, जिसमें 100 जयश्री, डॉक्टर रत्नपाल, राहुल, डॉक्टर योगेश लोहाड़े, डॉक्टर रूपाली, संकेत गोधा, कुमारी दीक्षा एवं लोहाड़े परिवार पुणे चतुष्कोण कलश अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त कर रही है। किरण जी आपके पास यदि नाम हो तो उनकी घोषणा करें। साथ ही चतुष्कलश का अभिषेक करने का सौभाग्य पाया है औरंगाबाद निवासी श्रीमान हुकुम चंद जी मोतीलाल जी गंगवाल साहब, श्रीमान मानिक चंद जी मोतीलाल जी गंगवाल साहब, श्रीमान सुरेंद्र प्रवीण कुमार जी मांगीलाल मानिक चंद जी गंगवाल साहब औरंगाबाद निवासी, साथ ही सौ कांताबाई कस्तूर चंद जी लोहाड़े जो श्री क्षेत्र कचनेर कार्यकारिणी मंडल के सदस्य है, साथ ही श्रीमान ऋषभ कुमार जी दीपचंद जी गंगवाल जो कार्यकारिणी मंडल के उपाध्यक्ष है गेवरा निवासी, और श्रीमान वर्धमान जी हुकुमचंद जी काला चिंचवाला परिवार, इन सभी परिवार की ओर से चतुर्थ कलश करने का सौभाग्य पाया है गुरुदेव चतुर्थ कलश। धर्म तीर्थ क्षेत्र पर 4 कलश का लाभ प्राप्त किया है, तो सुशीला इंद्र कुमार, सुवेद आशीष, डिंपल सिंह प्रदेव राजा से आपके द्वारा 4 कलश किया जा रहा है। हमारा दोनों ही परिवार सही परिवार की बहुत सारा आशीर्वाद है, चारों दिशाओं से आने वाली आपदाओं का निवारण का निर्माण निवारण करने के लिए 4 कलश का अभिषेक करेंगे। बोलो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। नीचे भगवान को दिखलाइए। इष्ट मनोरथ तेरी भव्य पुंसां पूर्णे सुवर्ण कलश निकले वसानी मन सागर में बंधन हेतु सेतु मक्का वैत्र बड़े पतंजलि राम
क्लास हुआ है, इसके पश्चात अगले विषय के लिए नाम बताएं। गुरुदेव अर्घ्य रहा था। आदि पार्श्व की पूजन को मैं भक्ति भाव से आता हूँ। अब चार कलश की आइए चंदन लेपन के अभिषेक करने का, चंदन लेपन कर दे, चंदन लेपन का अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त करने वाले महानुभव के नाम है सागर सुक्ष्म शुभम अभय कुमार पांडे पूजा रोहित जी आलंकर परिवार बारशी से औरंगाबाद से, कुमारी सपना देवी अनिता देवी रविंद्र जी पाटनी चेतना नगर से, तो सांगली से नितिन कुमार जी अपूर्वा परिवार और मालेगांव से अंकित जी प्रकाश जी पहाड़े परिवार, इसके अलावा कुछ नाम हो तो श्रीमान यश जी नितिन जी वैशाली जी श्रद्धा नखाते परिवार हर्षिता तृप्ति जोगी परिवार नागपुर निवासी करंजा वाले श्रीमान कैलाश चंद जी बाबूलाल जी पाटोदी साहब पूना निवासी, इन परिवारों से चंदन लेपन करने का सौभाग्य पाया है श्री चंदन लेपन गुरुदेव। नखादे जी वहीं पर है क्या, श्री क्षेत्र कचने जी में? तो वर्षा संजय से आपका नाम भी चंदन अभिषेक के लिए आया हुआ है, हमारा आपके लिए सभी के लिए बहुत सारा आशीर्वाद है। और कुमारी सपना अनीता रविंद्र पाटनी आपका नाम भी आया हुआ है, मेरा सभी परिवारों के लिए आशीर्वाद है। आइए लाभ लेंगे चंदन अभिषेक का, भगवान को दिखलावे। और ये सारा आज का जो प्रसारण हो रहा है पारस चैनल पर जो दिखाया जाएगा धर्म राष्ट्र परिवार के द्वारा विश्व धर्म विकास समिति के सौजन्य से ये पूरा आज का विषय पर आपको देखने मिलेगा, उसका आप लाभ प्राप्त करें दोपहर 12 से 2 के बीच में। अभी करेंगे चंदन अभिषेक, लीजिए चंदन। संशोध्य शोध्या जय हो जय हो आदिनाथ भगवान की जय, आदिनाथ भगवान की जय, जय आचार्य भविष्य गुप्त गुरुदेव। आज यहाँ पर लाल चंदन का अभिषेक किया गया है जिससे सभी देखने वाले आदि पाठ के पूजन को सबसे आता हूँ चंदन की श्रद्धा अर्जित करता हूँ चढ़ाता हूँ श्री अर्थश्री चंद्राभिषेक प्रांति स्वाहा। आइए पुष्प वृष्टि के अभिषेक के लिए चलते हैं। पुष्प वृष्टि करने का सौभाग्य प्राप्त करने वाले परिवार हैं तारा गड़ा जैन परिवार मुंबई से, श्रुति अभिजीत पहाड़े परिवार मालेगांव से, इसके अलावा यदि नाम है तो मैं किरण से निवेदन करूंगा उन नामों की घोषणा करें। पुष्प वृष्टि के अलावा श्रीमान विजय जी जैन प्रमोदिनी जी जैन पुना निवासी, यह परिवार भी पुष्प वृष्टि करने का सौभाग्य पाया है। इन सभी परिवारों की ओर से यहाँ पुष्प वृष्टि होने जा रही है। पुष्प वृष्टि है, पुष्प वृष्टि के पश्चात हल्दी अभिषेक रहेगा। हल्दी अभिषेक के लिए रहेंगे, पहले पुष्प वृष्टि करते हैं, लीजिए बोलो चिंतावाणी प्रार्थना। अच्छे से हो पाएगा पोषण जाइए श्रावक लोग। और थोड़ा सा मैनेज करेंगे नवीन जी, आप ध्यान रखें जिस समय दिखाई पड़े तो आप करें उस समय पर, है ना। हाँ चढ़ जाइए ऊपर, यहाँ बाबा के ऊपर विषय की जा रही है। वासंती का जाति सुरेंद्र व्रत
वंदे वधुक वंदे रवि चंपकाते पुष्पेरले कीर्तने धोताग्रे श्रीमजिनेन्द्राग्रे योगम यजेह श्रीमजिनेन्द्राग्रे योगम यजेह ओम भीम तुम नहा सुपर द शिवरावती मिट्टी डिवाइस की है करो मिट्टी भैया अभी उसका नेटवर्क इशू है वो स्पॉट पे नहीं आ रहे जय हो जय हो जय हो भारती नेटवर्क इशू तो आ रहा है यहां पर अच्छा चल रहा है बढ़िया भी हो सकता है बीच आ गया श्री आदिपाश के पूजन को मैं भक्ति भाव से सृष्टि करके मैं जिन भक्त को अर्घ चढ़ाता हूं ओम श्री शरद कृष्णे उस रश्मि में तेजे प्लाद निर्मल काम से उसके बाद हल्दी अभिषेक किया जा रहा है और हल्दी अभिषेक के पुण्य अध्यक्ष हैं कुमारी सपना अनीता रविंद्र पाटनी परिवार चेतना नगर और वंदना राजेंद्र पाटनी परिवार आपका नाम आया हुआ है हल्दी अभिषेक के लिए लाभ लेंगे पूरा और किसी का नाम यदि आया हो मिनट में तो आप बता देवे उनका नाम बोल दिया जाएगा या नहीं हो पाएगा और यहाँ पर बाबा का अभिषेक हो रहा है चक्रवाज भगवान का हल्दी अभिषेक किया जा रहा है हल्दी अभिषेक और ये हल्दी अभिषेक ऐसे किया जाता है ये एंटीबायोटिक है एंटीसेप्टिक है कोई रोग आपको ना हो और जितने हमारे समाज के लड़के और लड़कियां हैं जो कि भाग रहे हैं घर छोड़ छोड़ करके वे गलत रास्तों पर ना जाएं, विजाति विवाह ना करें और पुनर्विवाह आदि ना करें और अपनी ही जाति में सत जाति सत गृहस्थ का जाति वर्ण की सुरक्षा को बनाते हुए वह अपने अपने जैन समाज के अंदर ही मर्यादा को रखते हुए उनका मंगल परिणय हो यदि वैराग्य हो तो दीक्षा ले मुनि बन जावे आरिका माता जी बन जावे और यदि वैराग्य नहीं तो उनके अच्छे श्रावक बन जावे इसलिए अति विशेष किया जा रहा है यहाँ पर नाम आया हुआ है कुमारी सपना अनिता रविंद्र पाटी परिवार पत्र पर श्री पांड्या परिवार अभिषेक हल्दी अभिषेक हुआ आपकी बात में होगी थोड़ा जल्दबाजी ना करें जय हो और उसके बाद अभिषेक इलाज के लिए अष्ट पेरी व्यक्ति मत्व के लिए अष्टगंध का अभिषेक किया जा रहा है उसके अभिषेक नाम आया हुआ है राजेंद्र मदर पार्टी परिवार जितनी शरीर नखाते हैं और उनका अपना नाम देना चाहे अष्टगंध अभिषेक को तो नाम दे सकते हैं उसकी राशि मिनट में बतला देंगे अष्टगंध का अभिषेक बहुत सुंदर अभिषेक होता है स्पेशल कर्नाटक से और संपूर्ण देशों से सुगंधित द्रव्यों के द्वारा अष्टगंध का अभिषेक किया जाता है वो अभिषेक यहाँ पर किया जा रहा है अष्टगंध में जो भी यहाँ पर भी जितने लोग हैं कोई अपना नाम देना चाहे तो आपका नाम दे सकते हैं अष्टगंध के अंतर्गत किसी का नाम मिंटी भैया हो तो बता दे जी आप लोग अपने नाम दे सकते हैं राशि मात्र ₹1100 में आप अपने नाम दे सकते राजेंद्र वंदना पाटनी चेतना नगर से तो वैशाली सुनील मदनलाल कासीवाल परिवार चेतना नगर से आपका नाम आया हुआ है बहुत सारा आपका आशीर्वाद प्लीज अष्टगंध दे दिया लीजिए कर्पूर धोली मिलते घनसार पंख सम्मिश्रित कमल तुंदुल पिंड पिंड उद्वर्तनम भगवतो विद्नोमि देह स्नेहो पले प्रकरणा परिलोपनाय ओम रिम श्रीम क्लीम नमरम बम बम हम सम तम पम बम 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 हम ओम सम सम तम तम पम पम जम जम शिव शिव राम राम द्रावे द्रावे भगवते श्रीमते चंद्राभिषेकम करोमि स्वाहा अभिषेकम करोमि स्वाहा जय हो जय हो श्री आदिपाश के पूजन को मैं भक्ति भाव से आता हूँ अष्टगंध की धारा पर दिन भर को अर्घ चढ़ाता हूँ ओम भी शरद कृष्णे
अरुण पावती उसके बाद मंगल आरती। मंगल आरती प्रवीण जी किरण मास्टर कश्तीर में मंगल आरती के जो नाम आए हो नाम बतलाए हमारे पास में। धर्म तीर्थ पर मंगल आरती का स्वागत प्राप्त किया है डॉक्टर अशोक तेला विजय अतुल अचल दोहाड़े परिवार औरंगाबाद से आपका नाम मंगल आरती के लिए आया हुआ है। और भी जो नाम देना चाहे दे सकते हैं और कश्तीर में जो नाम मंगल आरती के लिए आया है उनके नाम बोलिए। हेलो, मंगल आरती करने का सौभाग्य पाया है प्रज्ञा अंकित जी पहाड़े सौ जयश्री रत्नपाल जी लोहाड़े राहुल जी योगेश जी डॉक्टर रूपाली संकेत गोदा निगड़ी निवासी पुणे कुमारी दीक्षा एवं लोहाड़े परिवार निगड़ी पुणे मंगल आरती करने का सौभाग्य पाया है। मंगल आरती दे सकते हैं। मंगल आरती की राशि ₹1100 में आप ₹1100 राशि है आप लोग अपने नाम देखिए जो की राशि सीए कर रहे हैं और जिन्हें शादी होने के बाद कुल दीपक की आवश्यकता वो दीप से आरती करके कुल दीपक की प्राप्ति कर से महान फल होता है। तो आइए कश्मीर में आरती होती है धर्म तीर्थ पर आरती हो रही है कुछ हमारे पास में आए हैं और जो नाम देना चाहे पुण्यजन कर सकते लाभ ले सकते हैं। जिन पार्श्वनाथ की जयकार करो रे जिन देव पार्श्वनाथ की जयकार करो रे आरती करो रे सभी आरती करो रे सभी आरती करो हाथों में दीप थाल लेके भक्ति करो रे हाथों में दीप थाल लेके भक्ति करो रे हाँ आरती करो रे सभी आरती करो रे सभी आरती करो ज्वलाक्षत मनोहर पुष्प दीपे पाताल पीतम के मंगल सुखाले काम दाहती कंतरियामी थाली सजाओ थाली बजाओ थाली सजाओ थाली बजाओ जिनवर की सम्मिल जयकार करो रे हाँ आरती करो सभी आरती करो आरती करो सभी आरती करो आरती करके श्री पूजन को मैं प्रतिभाव से आता हूँ मंगल आरती करके मैं दिन भर को अर्घ चढ़ाता हूँ। मंगल आरती मंगल आरती के पश्चात संपूर्ण कलश पूर्ण कलश नाम बोलिए। सुगंधित कलश करने का सौभाग्य पाया है कुमारी अवधि योगेश जी लोहाड़े के द्वितीय जन्म दिवस पर सौ कायश्री रमनलाल पहाड़ लोहाड़े। आइए सुगंधित कलश का अभिषेक। उससे पहले मैं कुछ सूचनाओं को देना चाहूंगा। धर्म तीर्थ पर कुल कलश का मैं कुछ सूचनाओं को यहाँ पर देना चाहूंगा। ये आपका नेटवर्क इशू है। कल प्रातः जैसे पंपू जी गुरुदेव लगातार हमें आदेश दे रहे हैं कि कल श्री क्षेत्र धर्म तीर्थ पर जो 20,000 स्क्वायर फीट में मंदिर को बनाया गया है उस मंदिर में जो जिन प्रतिमा है उन प्रतिमाओं को वहां पर स्थापित करना है वह कार्यक्रम कल धर्म तीर्थ पर रहेगा। और कल प्रातः 8:30 श्री क्षेत्र देव के वर्षायोग कलश की स्थापना का कार्यक्रम रहेगा। आप सभी वहां पर सादर आमंत्रित हो। साथ में ब्रह्मचारी वृषभ भैया जो आपकी आवाज क्लियर नहीं है भैया। अरुण भैया गुरुकुल के ही छात्र हैं और परम पूज्य गणिनी माँ क्षमा श्री माता जी के श्री चरणों में अपनी भक्ति को समर्पित करते हैं। कल उनके श्री क्षेत्र आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज अच्छी बहुत ज्यादा है। नेटवर्क थोड़ा सा लूज चल रहा है। मैं किरण से निवेदन करूंगा कि कृपया सूचना को प्रदान करें। गुरुदेव हाँ जी
चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। कल सुबह प्रातः 8:30 बजे परम पूज्य मुनि श्री जयकीर्ति जी महाराज जी एवं परम पूज्य गणिनी आरिका क्षमा श्री माता जी चातुर्मास कलश स्थापना हेतु सुबह 8:30 बजे चातुर्मास कलश स्थापना यहाँ समारोह होगा। साथ ही क्षमा श्री माता जी के संगस्त ब्रह्मचारी ऋषभ जी जो पूर्वाश्रम में श्री क्षेत्र कचनेर द्वारा चलाया जा रहा हुकुमचंद जी मनुलाल जी कासलीवाल गुरुकुल के छात्र है, वे अपनी भक्ति और वे अपनी सेवा क्षमा श्री माता जी के संगस्त में दे रहे हैं। उनकी कल मतलब पिछले 1-1.5 साल पहले ही मुनि दीक्षा लेने की उनकी इच्छा थी, पर कोरोना के कारण उनका जो भी मुनि दीक्षा का समारोह है वह समारोह कुछ कारणवश लंबा था, पर वे परम पूज्य आचार्य श्रीमान 108 कुंतु सागर जी गुरुदेव जो कुंतुगिरी में है उन्हीं के सानिध्य में और उन्हीं के मार्गदर्शन में वे ऋषभ भैया मुनि दीक्षा लेने का मन बनाया है। कल उनकी यह कलश स्थापना हेतु एवं गोद भराई और उनकी विदाई का कार्यक्रम भी श्री क्षेत्र कचने की ओर से यह किया जाएगा। कलश और कल धर्म तीर्थ क्षेत्र पर ये सुगंधित कलश का अभिषेक करते हैं। सुगंधित कलश का अभिषेक मैं बता रहा हूँ, कल प्रातः 8:30 बजे से धर्म तीर्थ पर भी प्रतिष्ठित प्रतिमाओं की स्थापना की विधि प्रारंभ हो जाएगी। प्रतिष्ठाचार्य प्रदीप जी मधुर उनकी उपस्थिति में संघ की सानिध्य में और हमारे मुनिष्ठ जय कीर्ति जी आचार्य मयंक सागर जी गण्य आर्य का क्षमा श्री माता जी और मुनि श्रीधर नंदी जी आदि आदि जो भी हमारे आसपास निकट साधु हैं उनकी भी पूरी सद्भावना है संभावना है, वे भी यहाँ पधारेंगे। मूर्तियों की स्थापना ये आप देख रहे हैं, सारी प्रतिमाएं विशाल मंदिर में कल विराजमान होंगी और मूर्ति के नीचे मंगल द्रव्यों की स्थापना होगी। आपको सभी का आह्वान है कि आप सभी मूर्ति विराजमान होने के पहले अपनी अपनी एक अर्जी अर्थात उत्तम मंगल द्रव्य अपनी ओर से सोना चांदी असली नवरत्न अपनी अपनी ओर से आप ला करके भगवान के पाद मूल में जो कमल है उसको भी स्थापित कर सकते हैं। यहाँ पर नहीं कर सकते हैं लेकिन आप आए और आकर के अपनी ओर से यहाँ पर उत्तम द्रव्य की स्थापना करें। संपूर्ण कुबेर यंत्र महामृत्युंजय यंत्र पूर्णिम महालक्ष्मी यंत्र लक्ष्मी यंत्र अचल यंत्र मातृका यंत्र कुल यंत्र इसमें अनेक अनेक नाम हमारे पास में आए हुए हैं और भी जो लोग अपनी ओर से स्थापना करना चाहते हैं वो हमारे प्रवीण जी लोहाड़े नितिन जी नखाते मिंटी भैया उनको आप संपर्क करें, किरण मास्टर को आप संपर्क करें, हमारे आपके नाम हमारे पास में आ जाए की स्थापना हो जाएगी। आप सभी लाभ प्राप्त करें। अभी अंतिम पूर्ण कलश हो रहा है और पूर्ण कलश के पुण्यार्थी धर्म तीर्थ पर हैं हमारे परम भक्त श्रीमान राजकुमार मीना अंकित प्रतीक्षा मेरा परिवार मित्रनगर औरंगाबाद से और श्री भरत संगीता सुमित पायल अध्याय डोंगरे परिवार औरंगाबाद से आप दोनों के द्वारा पूर्ण कलश किया जा रहा है। उनको हमारा बहुत सारा आशीर्वाद करेंगे। पूर्ण कलश भगवान को दिखलाएं। बोलो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। दीजिए इसके पश्चात होगी महाशांति धारा और शांति धारा में मेरे पास जो कश्मीर से नाम आए हुए हैं श्रीमान शांतिलाल विमल कुमार जी कमल कुमार जी कासलीवाल परिवार साइन मुंबई हैदराबाद यश नितिन कचहरी सत्यनखाते परिवार कृष्ण जोगी नागपुर और इंद्र द्राणी है माणक चंद जी महेंद्र से भाई दूसरी आवाजें बंद करें महेंद्र कुमार जी माणक चंद जी बढ़ जाते जो कि इंद्र बनकर अभिषेक कर रहे हैं। बहुत बड़ा सौभाग्य उनका है
जो गुरु पूर्णिमा को अभिषेक का लाभ दे रहे हो, मेरा उनको भरपूर आशीर्वाद और धर्म तीर्थ। तीसरी आवाज है क्यों आ रही? धर्म तीर्थ क्षेत्र पर मां शांतरा करने का सौभाग्य प्राप्त किया है नितिन वैशाली नखाते अमित सुनिधि सुमित निकुंजन प्रारंभ हैदराबाद और सरोज सुबोध जैन पुरवार दिल्ली, शरद बाकले पुरवार औरंगाबाद, श्रीमती मिलन जैन अमित सुनिधि पुरवार औरंग हैदराबाद और श्री प्रमोद केसरी पुरवार सराफा से और शकुंतला विजय पाटनी जितिन रचना जितिन रीमा नवीन उज्ज्वला पाटनी परिवार विजय टायर वाले आपके द्वारा शांतरा यहाँ पर हो रही है। संजीव सुधा जवेरी परिवार मुंबई से, गिरीश पी सिंह रिठलाई से और आज नाम दिए हैं कोमल विशाल सेठवाल, संतोष ज्योति तेजेंद्र गंगवाल औरंगाबाद, ऋषभ युक्ति संजय सुधा जैन दिल्ली, संगीता अभिषेक पूजा वर्धमान देवगढ़ राजा, अनिल मानेकर नागपुर, रोहित नेहा तनवीर सेठी परिवार ग्यावर से बेंगलोर से, सुदर्शन अख्तर बोटे देवगढ़ राजा, पद्म कुमार स्वप्निल पांड्या हैदराबाद, कुमारी सपना अनिता रविंद्र पाटनी परिवार, सुभद्र राजेंद्र पाटनी भूषण प्रियंका पाटनी परिवार औरंगाबाद और नितेश जैन मांडव, अरुण विजय पाटनी घाटनांद्रा, सुधाकर सोनल लोणकर, सुनीता नवीन जैन, जैन प्रभाकर वाटाणे आप सभी के नाम आए हुए हैं। मैं सभी का आप बहुत सारा आशीर्वाद देता हूँ और आइए हम प्रारंभ करेंगे अब शांति धारा। वहां पर भी जो साधु वर्ग उधर है उनका भी कल का उपवास है, उनका भी पारणा है। हमारा समय था 8 से 9:30 लेकिन अभी 10 बज गया है, कोई बात नहीं, हवा के चरण बैठ करके हमारी सारी चिंताएं मिटें और जितने भक्त यहाँ आए हैं उन सभी भक्तों के संकट दूर हों, सबकी चिंताएं मिटें, सबकी आर्थिक शारीरिक मानसिक समस्याओं का निदान हो। और पुनः आपको एक आह्वान है, कल सभी प्रतिमाएं 9 तीर्थंकर नवग्रह की प्रतिमाएं मंदिर में विराजमान होंगी तो आपको मौका है कि आप अपनी ओर से पूरा मंदिर बनाने का फल प्राप्त कर सकते हैं। कल आप अपनी अपनी ओर से ये हमारे नितिन जी नखाते जी को आप संपर्क करें, हमारे अध्यक्ष चंद्रशेखर जी पाटनी पवन पापड़ीवाल जी आप उनको संपर्क करें, अथवा मिट्टी वे आप संपर्क करें, नवीन जी को आप बोल सकते हैं, अपनी ओर से यंत्रों की स्थापना आप कर सकते हैं और लाभ दे सकते हैं। मेरा सभी के लिए आशीर्वाद है, कल जितने भी यंत्र वाले हैं उन सभी के नाम बोलकर यंत्रों की स्थापना की जाएगी। विशेष अभी संपूर्ण कुबेर यंत्र विशेष स्पेशल है, कुबेर यंत्र की स्थापना आप कर सकते हैं और कुबेर यंत्र भगवान चरण में रख दिया, क्योंकि धनपति कुबेर ही होता है जो भगवान के मंदिर को बनाता है, रत्नों की वृष्टि करता है। तो कुबेर की स्थापना, कुबेर यंत्र की स्थापना भगवान चरणों के पाद में रहेगी। जो भी अपनी ओर से कुबेर यंत्र रखना चाहें उसका लाभ ले सकते हैं। राशि मिट्टी बता दे संपूर्ण कुबेर यंत्र की जी 11,000 रुपए कुबेर यंत्र की। जी प्रवीण जी बोल। जी जी, कुबेर यंत्र की राशि 11,000 रुपए की रखी गई है और मैं तो बार बार कहता हूँ कि यह संत जब किसी कार्य को प्रारंभ करते हैं तो कार्य अपने आप अभियान का स्वरूप बन जाता है, और अभियान ही नहीं, जब इस संत के चरणों में हम पहुंच जाते हैं तो संकट के बादल अपने आप निकल जाते हैं, मंडराने वाले बादल अपने आप चढ़ जाते हैं। हम यदि किसी संकट में आए हैं, संकट के बादल हम पर मंडरा रहे हैं, हम पूज्य जैनाचार्य नंद जी भाव दर्शन भी हम करते हैं तो निश्चित रूप से वो संकट के बादल निकल जाते हैं। और जब ये संत इस अलग अलग प्रक्रिया के साथ करने का प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे कल्याण का ही विचार कर परम पूज्य करते हैं, सारी प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि पिछले 400 दिनों में जो कोविड ने हम पर बहुत बड़ा आघात किया है, बहुत से लोग ऐसे हैं कि कोविड के कारण उनके घर पर भी बहुत बड़ा आघात हुआ है, लेकिन इन संतों ने परम पूज्य जैनाचार्य गुप्तनंद जी गुरुदेव ने इस कोविड के संक्रमण से भी हमें निजात दिलाने का भरसक प्रयास किया है, पूरा पूरा प्रयास किया है। उनकी आराधना, उनके विधान, ये सारे जन कल्याण के लिए यहाँ पर लगातार चलते रहे हैं। अतः मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जब भी जैसे भी मौके हमारे लिए मिलते हैं, चंचला लक्ष्मी का कहते हैं कि यदि सदुपयोग होता है तो लक्ष्मी को लक्ष्मी पर लक्ष्मी फिदा हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है और पुनः उसके पीछे पीछे हमारे साथ दौड़ने लग जाती है। मैं गुरुदेव से एक प्रार्थना करूंगा, गुरुदेव श्री क्षेत्र कचनेर जी पर चिंतामणि इष्ट सिद्धि विधान जो आज से प्रारंभ हुआ है, 75 दिवसीय ये साधना है और यदि आपकी आज्ञा हो तो इस विधान के बारे में परम पूज्य मुनिश्री जय कीर्ति जी गुरुदेव 5 मिनट के लिए अपनी बात को रखना चाहते हैं। गुरुदेव यदि आपकी आज्ञा हमारे लिए प्राप्त हो, मैं जानता हूँ कि समय बहुत हुआ है। गुरुदेव हाँ, उसके पहले जय कीर्ति मुनिदास से पहले मैं कहूंगा कि 2 मिनट के लिए गढ़नी आरिका आस्था श्री माता जी यहाँ पर महाशांतरा और चतुर्मास में जो महामृत्युंजय विधान होने जा रहा है उसके विषय में 2 मिनट अपना वक्तव्य यहाँ पर शांतरा का मत बताएंगी, उसके पश्चात हमारे मुनि जय कीर्ति जी वहाँ के विधान के विषय में सूचना आपको देंगे। जी, परम पूज्य आरिका श्री आस्था श्री माता जी,
गणनी हरिका अस्ताश्री माता जी बोलिए 24 शिवशंकर भगवान की जय। इच्छापुरक आदिनाथ भगवान की जय। चिंतावणी पार्षनाथ भगवान की जय। गजनेर परम पूज्य आचार्य श्री कुंस सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य आचार्य श्री कृष्ण जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य आचार्य श्री किरण जी गुरुदेव की जय। परम आचार्य परमेश्वर की जय। सभी बोलिए परम पूज्य गणी निहारिका अस्ता श्री माता जी की जय। आवाज आ रही है ना भैया मेरी? जी 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 माता जी माता। आप सभी और हम सभी मिलकर अजनेर वाले बाबा का आज पंचम व्रत अभिषेक बड़े धूमधाम के साथ में गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर और चातुर्मास की शुरुआत से कर रहे हैं कि ये चातुर्मास बाबा के आशीर्वाद से जहाँ जहाँ भी साधु संत विराजमान है इस कोरोना काल में यह दुख की घड़ी सभी के दिन में जितनी चिंताएं हैं सभी चिंताओं बाबा हरे सबकी चिंताओं को हरे और इच्छा पूर्ण आदिनाथ भगवान सबकी इच्छाएं पूर्ण करे कि हर व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है और भक्ति में व्यस्त रहना चाहता है और साधु संतों का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है। यह चातुर्मास सभी के लिए आया है, बड़े सुनहरा अवसर लेकर आया है। चातुर्मास शुरुआत हो चुका है और चातुर्मास के अंतर्गत हर जगह अनेक विधानों की संभावना रहती है। सभी जगह भगवान की भक्ति और प्रभु की आराधना चलती रहेगी। इसी कड़ी में शांति द्वारा आप सभी हर वक्त जो जूम पर जुड़े हुए हैं सभी देखते होंगे कि आचार्य श्री गुप्तिनंद जी गुरुदेव के संग में जब से शांतिनाथ भगवान आए हैं तब से हर दिन तो कम से कम 20 वर्ष पूर्ण होने को आ रहे हैं। ये 20 वर्ष से महाशांति धारा चल रही है और यह महाशांति धारा एक सभी दुख और संकटों से मुक्ति दिलाने वाली है। ऐसी शांति धारा आप सभी हर दिन सुन रही है और इसका लाभ ले रहे हैं। और चातुर्मास के अंतर्गत हमने कल यहाँ पर अभी सिद्ध चक्र विधान पूर्ण हुआ है। आज सिद्ध चक्र विधान की पूर्णावती हुई है और हर दिन यहाँ कुछ न कुछ विधान चलते ही रहेंगे। उसी कड़ी में यहाँ पर 31 तारीख को महामृत्युंजय विधान होगा। उस महामृत्युंजय विधान में भी आप सभी भक्त लोग जुड़े रहेंगे और कुछ न कुछ विधान यहाँ पर चलते ही रहेंगे और उस विधानों का आप सभी लाभ लेंगे। कचनेर में भी विधान होंगे, अन्य क्षेत्रों में भी विधान होंगे। जो मीटिंग के माध्यम से हर भक्त को जोड़ने का प्रयास सभी साधु वर्ग कर रहे हैं। कल यहाँ पर नवग्रह जिनालय में नव जिन प्रतिमाओं की यहाँ पर स्थापना होगी। शांति धारा जिसका नाम ही शांति धारा है, ऐसा शांति धारा सभी जीवों के दुख संकट पीड़ाओं को हरने वाली है। हम अंत में बोलते हैं कि नवग्रह शांति अर्थरम कि नौ ग्रहों की शांति चाहे वह छोटी शांति धारा में हो चाहे बड़ी शांति धारा हो लेकिन जब शांति धारा पूर्ण होती है वहाँ पद प्रभु चंद्र वासु मल्ली वर्धमान पुष्पदंत मुनिश्रत देवीनाथ इस प्रकार पाशनाथ आदि सभी नौ तीर्थंकरों का नाम आता है। वह नाम क्यों आता है? तीन मंत्र नौ ग्रह शांति ये नौ ग्रहों की शांति हो और नौ ग्रह हमारे आचार्य ने बताए हैं। समय जो अंतिम श्रुत के लिए भद्रभा स्वामी हुए हैं उन्होंने नवग्रह स्तोत्र लिखा है और उस नवग्रह में नव तीर्थंकरों की मुख्यता बताई है। उसी नवग्रह की मुख्यता को लेकर के आचार्य शिवकिनंद जी गुरुदेव ने धर्म तीर्थ पर नवग्रह जिनालय में नव जिन प्रतिमाओं की स्थापना या करने जा रहे हैं और नवग्रह हर व्यक्ति के अनुकूल रहे। जो प्रतिकूलताएं होती है हर व्यक्ति के जीवन में ज्योतिष के अनुसार सुख दुख और दुख शांति सुख और शांति दुख और संकट ये सब साथ में चलते हैं। सुख आया तो दुख भी आएगा, दुख आया तो सुख भी मिलेगा और शांति हर व्यक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए हर दिन हम कुछ ना कर सके तो कम से कम अपने कानों से जूम मीटिंग पर जुड़ करके आप शांति धारा का लाभ ले लीजिए। शांति धारा सुनिए और अपनी तरफ से आप करवाइए क्योंकि दान व्यक्ति का उत्थान करता है। दान दुर्गति से निवारण को निवारण की ओर ले जाता है, दुर्गति से आपको बचाता है। इससे चार प्रकार का दान और सठ कर्तव्य का पालन हर साधक का कर्तव्य है कि वह अपने कर्तव्य का पालन कर दे। देव पूजा प्रभु आराधना और आहार दान आदि के माध्यम से अपने अंतराय का निवारण करे और सठ कर्म का पालन करे, सठ कर्तव्य का पालन कर दे। देव पूजा और आहार दान ये मुख्य कर्तव्य कुंद कुंद स्वामी ने बताए हैं। इन कर्तव्य का पालन करते हुए जो चातुर्मास आपके लिए आया है इस जूम मीटिंग के माध्यम से आज आप हर दिन
सभी मंदिरों में नहीं जा सकते हैं, आपके गांव के जिनाले में भी सीमित संख्या में आप लोग जा सकते हैं, क्योंकि उसकी अभी कोरोना गया नहीं है पूरी तरह से, और तीसरा वायरस हमारे बीच में ना आए, इसलिए हम कचनेर वाले बाबा से आज शुरुआत में ही चातुर्मास की शुरुआत में ही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जैसा पूरा पुराना वर्ष गया था ऐसा ये साल ना जाए, सभी लोग सुखी रहे, दुख चिंताओं से मुक्त हो, और इच्छा पूरा आदिनाथ भगवान सबकी इच्छा पूर्ण करे। इस प्रार्थना के साथ में आज हमने दोनों भगवान का अभिषेक आप सभी भक्तों को यहाँ दिखाया है, और दोपहर में पारस चैनल पर 12 से 2 बजे के बीच में वापस ये अभिषेक आपको देखने मिलेगा, लाइव अभिषेक आप पारस चैनल पर देख पाएंगे। तो सभी भक्त अधिक से अधिक संख्या में भगवान का अभिषेक देखें, ये ना सोचे कि हमने सुबह अभिषेक देख लिया था, क्योंकि भगवान की भक्ति और प्रभु की आराधना तीन संध्या में करने का विषय समय आया है, तो सुबह मध्यान्ह और सायंकाल, तो मध्यान्ह के समय में आपको चैनल पर यही अभिषेक फिर से दिखाया जाएगा, तो अधिक से अधिक संख्या में जुड़ करके आप भगवान का अभिषेक देखेंगे और लाभ लेंगे, अभिषेक देख करके पुण्य का संचय करें और अधिक से अधिक अपने कर्तव्य का पालन करें और अपने जीवन में अष्टमूल करें। साधु संतों ने अपनी सीमा रेखा बांधी है, उसी प्रकार आप भी अपने जीवन में नियम संयम के साथ में 4 महीने का चातुर्मास बिताए। इसी बात में बोले वाले बाबा की जय, धर्म तीर्थ वाले बाबा आज बोलिए परम पूज्य, बोलिए परम पूज्य गणनीय आरिका आस्था श्री माता जी की जय। आइए हम चलते हैं श्री क्षेत्र कचनेर जी में, जहाँ पर परम पूज्य जी गुरुदेव विराजमान है, परम पूज्य गणनीय माँ क्षमा श्री माता जी विराजमान है, और आने वाले 75 दिनों में जो एक पूजा की आभा, भक्ति की आभा, शक्ति की आभा वहां पर बन रही है, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ जब मुनिश्री जयकीर्ति जी गुरुदेव किसी कार्य करते हैं, कोई विधान को करते हैं, तो विधान अपने आप में देखने वाली बात बन जाती है। आने वाले 75 दिनों में चिंतामणि इष्ट सिद्ध विधान वहां पर हो रहा है, जो विधान नवरत्नों के द्वारा किया जाएगा उसके बारे में भी परम पूज्य गुरुदेव जानकारी प्रदान करेंगे, आशीर्वाद भी देंगे, और कल प्रातः 8:30 बजे जो वर्षा योग कलश की स्थापना होगी उसके बारे में भी यहाँ पर अपने भाव को देंगे। परम पूज्य मुनिश्री जय कीर्ति जी गुरुदेव। और जो लोग बातें कर रहे हैं वो बातें नहीं करेंगे, जो लोग पूजा कर रहे हैं वो ऐसी पूजा करेंगे दूसरों को डिस्टरबेंस ना हो। भगवान के दरबार में आने के बाद में जो डिस्टरबेंस करता है वो डिस्टरबेंस अपने दूर नहीं करता है, दूसरों को देता है। अपने डिस्टरबेंस दूर करने के लिए जीवन में भगवान के दरबार में आकर के कोशिश से करना चाहिए कि हमारे द्वारा किसी को डिस्टरबेंस ना हो। सब लोग हाथ जोड़िए, मोक्ष मार्ग की वैभव वाली हरिहंतों को नमन करें हम, नित्य निरंजन आनंद दाता सिद्ध प्रभु को नमन करें हम, पंचाचार विभूषित गुरुवर सूरी गुरु को नमन करें हम, शास्त्र प्रकाशे ज्ञान प्रकाशे उपजायों को नमन करें हम, आत्म ध्यान में लीन निरंतर सर्व साधु को नमन करें हम, नमन नमन तुम्हें नमन नमन ले लो अरहत शरण शरण, नमन नमन तुम्हें नमन नमन ले लो सिद्ध जी शरण शरण, नमन नमन तुम्हें नमन नमन ले लो सूरी शरण शरण, नमन नमन तुम्हें नमन नमन ले लो बुझाए शरण शरण, नमन नमन तुम्हें नमन नमन
ले लो साहो शरण शरण पंचाचार विभूषित की जो श्रद्धा भक्ति उर्धारे ऐसे पंच परम पद धारे हम सब को भी मोक्ष दिलाएं। अनंत अनंत सिद्ध प्रमिष्टि भगवान के 24 तीर्थंकर भगवान के द्वादशांग जिनवाणी माता के तीन कम नौकुल मुनिराज के द्वादशांग जिनवाणी माता के परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी गुरुदेव के परम पूज्य आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी गुरुदेव के परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी गुरुदेव के परम पूज्य गणाधिपति चंद्राचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की परम पूज्य प्रदर्शन सरस्वताचार्य श्री देवनंदी जी गुरुदेव की परम पूज्य जैनाचार्य श्री गुप्तनंदी जी गुरुदेव की बोल परम पूज्य मुनि श्री जयकृष्ण जी गुरुदेव की बोल परम पूज्य गण्य आरिका एक सुपर क्षमा श्री माता जी की। सभी लोग प्यार से भक्ति से और आनंद से तीन बार बोलेंगे बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के देखिए आज यह गुरु पूर्णिमा का अवसर और चिंतामणि बाबा का यहाँ पर अभिषेक संपन्न हो रहा है। योग और संयोग से गुरुओं की कृपा से यहाँ पर चातुर्मास भी संपन्न होने जा रहा है और कल रविवार को सुबह 8 बजे से 10 बजे के बीच में चातुर्मास कलश की स्थापना होने वाली है। आप सभी के लिए विश्वस्त मंडल यानी ट्रस्टी कमेटी की तरफ से हमारा आप सभी के लिए आमंत्रण है कि आप सभी को कल यहाँ पे पधारना है। यहाँ पर यह जो आज चिंतामणि बाबा का हम अभिषेक देख रहे हैं इनके प्रभाव से जिनके बिना यहाँ पत्ता नहीं हिलता है जिनके आज्ञा और आदेश के बिना यहाँ कोई काम नहीं होता है उनकी आज्ञा और आदेश से उनके प्रभाव से उनकी कृपा से यहां पर श्री चिंतामणि इष्ट सिद्धि विधान लिखा गया जो कि आज से लेकर के 6 अक्टूबर तक निरंतर 75 दिन तक संपन्न होने वाला है अत्यंत वैभवशाली उत्साह और आनंद के साथ में। कुछ लोग बात करते हैं कुछ लोग सोचते हैं कुछ लोग ऐसा विचार करते चर्चा करते कैसे होगा। हमने बोला एक कैसे होगा ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है ये जिसका विधान है वो जानता कैसे होगा। मैं कौन होता हूं कुछ करने वाला करवाने वाला जिसका है वही सब कुछ है वही करने वाला वही करवाने वाला है। इतना विश्वास हमारे जीवन में होना चाहिए क्योंकि कहते हैं विश्वासम फलदायकम। विश्वास अगर है तो हमें फल की प्राप्ति होती है और विश्वास नहीं है तो कुछ भी करते रहो जिंदगी में हाथ में सिर्फ निराशा लगती है। जिंदगी में आदमी बार बार निराश क्यों होता है क्योंकि वह बिना विश्वास के काम करता है। जिंदगी में आदमी बार बार डिफीट क्यों खाता है क्योंकि वह जो भी काम करता बिना खुशी के करता है। खुशियों को तो दुनिया में ढूंढने जाता है परंतु जो सामने है उसको खुशी से स्वीकार नहीं करता है इसलिए व्यक्ति दुखी होता है। बाबा के चरणों में श्री चिंतामणि बाबा के चरण कमल जो पूजेंगे क्लेश कसाएं विघ्न बाधाएं यूं चुटकी में भागेंगे इष्ट सिद्धि और मनोसिद्धि को बाबा यूं ही दे देंगे। कर लो पूजन बंदन अर्चन भाग्य हमारे जागेंगे भाग्य हमारे जागेंगे। जो चिंतामणि इष्ट सिद्धि विधान है यह प्रॉपर चिंतामणि बाबा के लिए ही लिखा गया है चिंतामणि बाबा की ही आराधना है। इसमें
किसी का कोई स्वार्थ, किसी का कोई नाम, किसी के लिए कोई निहित कोई वस्तु नहीं है। ये जिनेंद्र भगवान की जो आराधना की जाती है, जिनेंद्र भगवान के प्रति जो हमारा भक्ति और समर्पण किया जाता है, निश्चित रूप से फलीभूत होता है। और यह संसार भर में प्रसिद्ध, जगत भर में प्रसिद्ध ये जो चिंतामणि बाबा यहाँ पर बैठे हैं, ये देखने में छोटे हैं परंतु काम इनका बहुत बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा है। समझने की दृष्टि और सोचने की दृष्टि सही चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि जिंदगी में चार चीजें, दोस्त, किताब, रास्ता, क्या क्या, दोस्त, किताब, रास्ता और विचार, अगर ये सही है तो जीवन सही दिशा में जाता है। और जिसकी जिंदगी में दोस्त, किताब, सोच और रास्ता अगर गलत है तो जीवन पूरा गलत हो जाता है। जिसकी विचारधारा गड़बड़ा जाती है, जिसकी विचारधारा में निगेटिविटी भर जाती है, जो नकारात्मक रूप से सोचता है, जो हमेशा गलत सोचता है, हमेशा उसके लिए कहते सावन के अंधे को हरा हरा दिखता है, इसी प्रकार से जो गलत सोचने वाला है उसको हर काम में, हर व्यक्ति में, हर जगह, कहां कहां, हर काम में, हर व्यक्ति में और हर जगह उसको सिर्फ गलत ही गलत नजर आता है। और जो व्यक्ति सही सोचता है, जिस व्यक्ति की सही सोच होती है, जिसकी सही विचारधारा होती है, वो जंगल में भी जाएगा तो उसको आदमी नहीं दिखेंगे परंतु पेड़ को देख करके भी उसको अच्छा लगेगा, कितना सुंदर पेड़ है। तो गलत विचारधारा वालों के लिए सही बात भी गलत लगती है। नेगेटिविटी, ये नकारात्मकता इतनी खतरनाक होती है, इतनी खतरनाक होती है कि भगवान में भी गलतियां नजर आती हैं, भगवान की पूजा पाठ में भी गलतियां नजर आती हैं, देवसाध गुरु में भी मिस्टेक नजर आती है। यह किसी की गलती नहीं, बिचारे के कर्म का उदय वैसा है। जो व्यक्ति जिस प्रकार की किताबें पढ़ता है, दुनिया में सभी प्रकार की किताबें अच्छी भी हैं और बुरी भी हैं, तो जो व्यक्ति जिस प्रकार की किताबें पढ़ता है, अगर गलत साहित्य पढ़ता, गलत बातें, गलत विचार, गलत मैसेज पढ़ता है, तो उसके जीवन में गलतियों का प्रादुर्भाव हो जाता है। उसका जिसका रास्ता गलत होता है, वो गलत रास्ते पर ही चला जाता है। आपको जाना है कर्नाटक और अगर रास्ता गुजरात का पकड़ा है तो आप कर्नाटक ही पहुंचे, गुजरात नहीं पहुंचोगे। सही रास्ते पर जो चलता है वही सही रास्ते को पाता है, वही सही मंजिल को पाता है। और संगति, दोस्त, मित्रता, जिसकी जैसी संगति होती है उसकी वैसी ही गति और वैसी ही मति होती है। आप अगर कचरे के डिब्बे के साथ दोस्ती करोगे, कचरे के साथ, कचरे का जो गाड़ी आती है कचरा उठाने के लिए, उसके साथ फोटो खिंचाओगे और उसके साथ आप रहोगे, उसमें खड़े हो जाओगे, बार बार उसके पास जाओगे, यह तुम्हारी गलत मानसिकता का प्रतीक है। यह तुम्हारी अच्छी वाली जिंदगी को, अच्छी वाली मानसिकता को भी गलत कर देगा। और एक पशु जाति का, पशु में, जानवरों में जन्म लेने वाला भी अगर संगति को पा लेता है, अच्छी संगति को पा लेता है, उसका भी जीवन सुधर जाता है। और मनुष्य सोने के बाद में जिसकी विचारधारा, जिसकी संगति, जिसके रास्ते, जिसकी सोच गलत होती है, उसका जीवन अत्यंत दयनीय होता है। जिनेंद्र भगवान, पारसनाथ भगवान हमको सिखाते हैं कि जिंदगी में कितने भी संकट और कंटक आ जाए, कितने भी रोड ब्रेकर आ जाए, आपकी कितनी भी आलोचना और निंदा हो जाए, परंतु फिर भी घबराना नहीं, क्योंकि इन्होंने भी, जो साक्षात तीर्थंकर जिनकी हम पूजा कर रहे हैं, वंदना अर्चना कर रहे हैं, भक्ति करते हैं, उन्होंने भी 10 भाव तक कष्ट सहे हैं, 10 भाव तक उनके ऊपर उपसर्ग हुआ है। उपसर्ग सहन करने के बाद वो इस प्रसिद्धि को प्राप्त हुए। संसार में सबसे ज्यादा अगर जैनों के तीर्थंकरों में किसी को जाना जाता है तो पारसनाथ भगवान है। और भारत में तीर्थ क्षेत्रों में, अतिशय क्षेत्रों में अगर सबसे ज्यादा किसी का नाम है तो वो चिंतामणि बाबा का नाम है। इस औरंगाबाद के परिसर में, महाराष्ट्र के परिसर में ऐसा कोई घर, कोई बच्चा, कोई व्यक्ति नहीं होगा जो चिंतामणि बाबा का भक्त नहीं होगा।
और यही जो आराधना की जा रही है 75 दिन की आराधना, यही जो 1.5-2 साल से बड़ा विकट समय चल रहा है, बड़ा सब लोग सब अपने अपने लेवल पर किसी ना किसी प्रकार से दुखी, कष्ट, कुछ कोई कुछ बोलता, कोई कुछ बोलता है। बाबा के चरणों में यही प्रार्थना है, यही उनके चरणों में मेरी अर्जी है कि प्रभु ये जो आपकी आराधना की जा रही है, जो भी आराधना करने वाले आपके सच्चे और पक्के भक्त हैं, जो सच्चे और पक्के भक्तों को आपका सच्चा और पक्का आशीर्वाद मिले, चिंतामणि बाबा की सच्ची और पक्की आराधना का सच्चा और पक्का फल प्राप्त हो, इसी मनोभावना के साथ में यह हम आराधना कर रहे हैं। एक बात बताऊं आपके लिए, एक बार फुटबॉल के मैदान में बड़ा गजब का खेल चल रहा था, आप लोगों को किसी को जानकारी होगी फीफा वर्ल्ड कप होता है, जैसे क्रिकेट में होता है ऐसे फुटबॉल का जो मैच होता है उसको फीफा वर्ल्ड कप चल रहा था बहुत बड़ा, तो उसमें बड़ी बड़ी टीमें भाग ले रही थी, बड़े बड़े खिलाड़ी खेल रहे थे। एक बार एक कोई बुजुर्ग व्यक्ति अत्यंत 90-100 साल के बाबा जी वहां पर पहुंच गए और मैच बड़ी गंभीरता से देख रहे थे। एक व्यक्ति ने उनसे पूछा, बाबा जी हम भी फुटबॉल के बड़े प्रेमी हैं और फुटबॉल हमको बहुत अच्छा लगता है, आप हमें ये बात बताओ कि दुनिया का एकमात्र खेल ये ऐसा है जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, परंतु खेल में जो फुटबॉल है उसको लातों से पीटा जाता, लातों से मारा जाता, एकमात्र खेल कौन सा, बाकी सारे खेल इसके ऊपर हैं, कोई हाथ से खेला जाता, कोई वॉलीबॉल है या टेनिस है या क्रिकेट है, जो भी ऐसा एक ही खेल है जिसको बेचारी गेंद को लातों से पीटा जाता है, बात क्या है। बाबा जी ने थोड़ी देर सोचा और बोले, बेटा बात सिर्फ इतनी सी है, बात सिर्फ इतनी सी है, एक फुटबॉल अंदर से खाली है इसलिए लातों से पीटा जाता, लातों से मारा जाता। अगर इतना बड़ा फुटबॉल, इतना बड़ा फुटबॉल कोई पत्थर का हो, कोई भरा हुआ ठोस कोई आइटम हो, उसे लातों से कोई नहीं पीट सकता, उसके पैर में चोट लग जाएगी, पैर में चोट खा के वो गिर जाएगा। अंदर से खाली, जो अंदर से खाली होता है, जो भावनाओं से खाली होता है, जो धर्म से खाली होता है, जो विचारों से खाली होता है, वो संसार में चारों गतियों में, इस संसार के मैदान में चारों गतियों में कर्मों से मारा जाता है, कर्मों के खेल में खेलता रहता है और कभी नहीं जीतता है। जीतता वही है जो अपनी आत्मा रूपी जो फुटबॉल अनादि काल से चारों गतियों में चल रही है, उसके अंदर जब धर्म भरा जाता है, जब अच्छे विचार भरे जाते हैं, सहनशीलता भरी जाती है, अच्छा व्यवहार भरा जाता है, दूसरों के प्रति अच्छी सोच भरी जाती है, तब जाकर के ठोस बनता है, फिर इसे लातों से कोई नहीं पीट सकता, जो आएगा वो गिरेगा, वो नीचे गिरेगा। इसलिए जिंदगी में फुटबॉल मत बनना, अगर अंदर से खाली हो आपको लगता है तो अपने आप को धर्म से भरना, अपने आप को भक्ति से भरना, अपने आप को सद विचारों से भरना, और यह जो बहुत बढ़िया स्वामी जी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, शांत धर्म का लाभ लेना है स्वामी जय कीर्ति जी, बहुत बढ़िया, अच्छा संदेश आपने दिया है, आपका संदेश और अपन सुनेंगे, उत्तम क्षमा मेरी ओर से आपके लिए, फिर अभी लाइव खत्म हो जाएगा और तुरंत किसानन को एडिटिंग करनी पड़ेगी थोड़ी सी, इसलिए मिच्छा में दुक्कड़म मेरा चंद्रा का लाभ लेंगे अपन अभी। बने चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आइए ठीक है, वो आदेश आ गया है तो इतने रहने दो, फिर कभी नेक्स्ट टाइम। पूरे 4 महीने हम ऑनलाइन का सबसे होना, ये अभी बात करना, मैंने म्यूट कर दिया। कश्मीर की पूरी वाणी का अपन जय कीर्ति महाराज की वाणी का लाभ कश्मीर के माध्यम से आपको लगातार मिलेगा, आप पूरा पूरा उनका लाभ दीजिए, और अभी थोड़ा सा क्योंकि लाइव वालों का संदेश आ रहा है इस कारण से हमको देना पड़ेगा, तो आइए प्रारंभ करते हैं, शांतधारा शुरू करेंगे। शांतिधारा करने का सौभाग्य पाया है श्रीमान शांतिलाल जी, विमल कुमार जी, कमल कुमार जी, कासलीवाल, सायन, मुंबई,
से, श्री अमित जैन बाराबंक हैदराबाद से, श्रीमान यश नितिन जी वैशाली जी श्रद्धा नखाते और हर्षिता तृप्ति जी जोगी नागपुर परिवार, इन सभी परिवारों ने शांति धारा करने का सौभाग्य पाया है। साथ ही इंद्रेन्द्रनी परिवार है, श्रीमान मानिक चंद जी महेंद्र कुमार जी बरजात्या छिंदवाड़ा निवासी। शांति पार्श प्रभु जी शांति करो, सर्व विघ्न को दूर करो, सर्व विघ्न को दूर करो, घर घर मंगलाचार करो, देव हमारे श्री अरिहंत, गुरु हमारे श्री निर्ग्रंथ, ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु देव, जय गुरु जय गुरु जय गुरु देव, ओम मास भेद्या शिवित्रागाय नमः, ओम नमो रते भगवते चिंतामणि पार्श्वनाथ शंकराय, इच्छा प्रकाश दिनाजिनेन्द्राय, चौबीस संतर जिनेन्द्राय, रत्न क्रयन कथाय, महामंडल पंडिताय, शुक्ल ध्यान पवित्राय, अनंत संसार चक्र प्रणोदनाय, धर्म चक्राधीशराय, नव किवृद शिखराय, गुरु प्रभु विनाशनाय, गणित प्रणाम मंडल पंडिताय, अदराय चिंतामणि पार्श्वनाथ महामस्तकाभिषेक मुख्य निद्राणी श्री माणिकचंद जी महेंद्र कुमार जी प्रजात नाम थे अस्त संपूर्ण सदर्भ संघ कांतरा कर्ता शांतिलाल विमल कुमार कमल कौर शास्त्रीय परिवार सुनिधि अमित जैन मिरन स्मृति अमित परिवार यश नीति नखाते वैश्वरी नखाते हर्षित तृप्ति जोगी परिवार सत परिवार अस्त वार्षिक कांतरा कर्ता श्रीमती सरोज जैन सुबोध जैन हंसराज नीरज जैन बाकी संतोष ज्योति तेजेंद्रुक्ति संजय सुधा जयंती संगीता विषय पूजा वर्तमान देवराजा अनिल मानेकर नागपुर रोहित ने तनवी सिटी परिवार व्यावर सुदर्शन अक्कर वोटी देवराजन पदम कुमार सपने पांडे हैदराबाद कुमारी सपना अनिता रविंद्र पाटनी औरंगाबाद तो वंदना राजेंद्र पाटनी भूषण प्रियंका पाटनी औरंगाबाद विजय अरुण अरुणा विजय पाटनी घाटनंद्रा औरंगाबाद सुधाकर सुनील गणकर और शांति सर्व राम नगर समस्त उपस्थित आचार्य उपाध्याय मुनि साधु संघ से सर्व प्राणी मात्र से समस्त परिवार से अद्य शांति मंत्र करता संपूर्ण परिवार से शांति अमित वैशाली कुमार विशाल माणिक परिवार अन्य संपूर्ण परिवार संतोष ज्योति ऋषभ युक्ति जैन परिवार ऋषभ संजय संगीता विषय परिवार अभिनय मानेकम रोहित नेहा तमिल शेट्टी दर्शन करवटे प्रदम कुमार सपन पांड्या कुमारी सपना नित्य रविंद पाटनी वंदना राजेंद्र पाटनी भूपेश्वर प्रियंका पाटनी अरुण विजय अरुणा विजय पाटनी सुधाकर सुन गणुकम स्मिता नवीन जैन जयंत प्रभाकर वाटाणे सतीश सिंह परिवार अल्पाकम सर्व प्राणी मात्र सरोज जैन सुबोध जैन शकुंतला विजय पाटनी परिवार शांति रमंडा श्रीमती मिरण मिश्री जैन परिवार श्री प्रमोद कृष्ण साहु परिवार अस्माक
कम हन हन दह दह पचे पचे पाचे पाचे सर्वेश्वरम स्वाहा यस्तुकं त्रिषु लोकेषु व्याधि विसर्वर्जितं अव्ययं क्षेम आरोग्यं तस्य शान्तिरस्तु शिवमस्तु देवस्तु शांति भगवान करोतु शांति भगवान करो अतिशिकारी चिंतावाणी पार्षना शांतिनाथ्राय महाशांति मित्र फिजुलादी हरि ओम नमः ते स्वाहा। हेलो एक मिनट गुरुदेव परम पूज्य सौभाग्य सागर जी गुरुदेव हर पूर्णिमा के दिन अपने अपने भक्तगणों के ओर से कुछ दान राशि श्री क्षेत्र कचनेर जी के लिए देते हैं। उन्हीं के आशीर्वाद से आज भी गुरु पूर्णिमा निमित्त सौभाग्य सागर जी गुरुदेव के सभी भक्तगणों के ओर से 1,23,000 की राशि आज श्री क्षेत्र कचनेर जी से के लिए प्राप्त हुई है। हम सभी की ओर से गुरुदेव के चरणों में नमस्तु 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 गुरुदेव। ऊपर की राशि भी यहाँ प्राप्त होती है। इसकी श्रृंखला में आज भी 1,23,000 की राशि गुरुदेव के भक्तगणों की ओर से यहाँ श्री क्षेत्र कचनेर प्राप्त हुई। बहुत बहुत सभी भक्तगणों को धन्यवाद। अर्चना फल करने का सौभाग्य पाया है श्री क्षेत्र कचनेर कार्यकारिणी मंडल के अध्यक्ष जो हर समय अर्चना फल का प्राप्त करते है। सौ सुनीता प्रमोद कुमार जी कासलीवाल औरंगाबाद निवासी श्रीमान सुजीत जी दहाड़े सह परिवार गुड़गांव हरियाणा निवासी श्रीमान विपिन कुमार जी मदनलाल जी कासलीवाल आडवाण निवासी हल्ली मुक्काम औरंगाबाद अर्चना फल करने हो तो यहाँ उपस्थित परिवार से मैं निमंत्रित करता हूँ कि वे आगे आए अर्चना फल। और क्षेत्र में सुजाता आतो सेठी सिद्धांत आदर्श सेठी परिवार औरंगाबाद से आपके द्वारा अर्चना पत्र आया जाए अर्चना पर पारस उदक चंदन तांदुल पुष्प कई सरस दीप सुधूप फलार्घ्य कई धवल मंगल कानरवा पुदेश रहे जननाथ महम जजे तुभ्यं नमः त्रिभुवनार्ति हराय नाथ जगता परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिन भवोदति शोषणाय ओम भीम श्री अष्टादश दोषयिताय और चढ़ियारे बाबा के लिए कल के कार्यक्रम के लिए पारस बाबा के लिए कृष्ण को कुछ नीरे ग्राम में आता हूँ अष्टम सुधा का राज मिले आठो द्रव्यों को लाता हूँ अतिशयकारी चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय मूर्ति स्थापना निमित्त सर्वकार संपूर्ण कश्मीर विश्वस्त मंडल कार्यकारिणी मंडल उनको हमारा बहुत सारा आशीर्वाद। मुनि जय कीर्ति मेरा अपना आह्वान है कि स्वामी जी कल समय निकालिए और आप अवश्य में कल मूर्ति स्थापना में यहाँ पधारे लड़नी हारी का शिवाशी माता जी हमारा उनको भी आह्वान है कि माता जी आप समय निकाल कर और मूर्ति की स्थापना में आपका सहभाग रहे। मुनि श्रद्धानंदी जी आचार्य मयंक सागर जी उनको भी हमारा आह्वान है कि वे भी यहाँ पर धर्म तीर्थ पर पधारे। ऐसा में और से इतने भक्तगण वहाँ पर है
हमारे जितने इंद्रानी ये भी अपने क्रमानुसार मर्यादा को रखते हुए आप लोग सभी यहाँ पधारे और मूर्ति की स्थापना अपने अपने द्रव्य की स्थापना करके आयोजन करें। मेरा सभी की बहुत सारा आशीर्वाद है। हमारी पूरी टीम अरविंद जी लोहाड़े, नितिन जी नखाते, बस्तर भैया और जितनी हमारी जूम कमेटी के डॉक्टर प्रेरणा महाजन आदि सबको मेरा बहुत सारा आशीर्वाद यहाँ पर है। सबके लिए बहुत सारा आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। यही मीटिंग पूरा करेंगे। बचपन से धारे तीर्थंकर ये सबसे न्यारे चिंता पास न आए हर संकट मिट जाए मनवांछित फल पाए रेखाएं बदल जाए हाथ की उबारे मंत्र उन्हें नव कार दिया रे वो ही बन गए छत्र प्रभु का कमठ ने जब सर दिखिया रे सबको पार उतारे सबकी ओर निहारे जैसे भाव हमारे प्रतिमा
को केवल नीर सुहाए, जिसको देखो नवन कराए। लोगों के दुख सहती प्रतिमा चिर नहीं रहती, जल की धारा बहती, भक्तों से यही कहती, चिंता है तुम्हें किस बात की, करो आरती करो आरती, चिंता बड़ी पार से नाथ की, करो आरती करो आरती। पर जिनको प्रेम है सच्चा, चल कर आते रास्ता कच्चा, कहने से पहले प्रभु देते धन संपत्ति यश बालक बच्चा। दीपक ज्योत जलाओ, मंदिर को दमकाओ, मीठे स्वर में गाओ, विनती सुनेंगे प्रभु साथ की, करो आरती करो आरती, चिंता मणि पारस नाथ की, करो आरती करो आरती। चिंता मणि चिंताएं हरता, पारस लोहा कंचन करता, जो भी धारे आते दो दो मणियां पाते, हम भी शीश झुकाते, खाली हाथ न जाते। चिंतामणि पाषाणनाथ भगवान की जय। मुनिश्री जय कीर्ति जी मुनि महाराज की, परम पूज्य गण्य हरिका क्षमा श्री माता जी की जय, सत्संग की जय, जयकारा गुरुदेव का। अरे बाबा की जय। पचनेर वाले बाबा, कल सुबह प्रातः 8 बजे से 10 बजे तक चातुर्मास स्थापना हेतु यह समारोह होगा। आप सभी से नम्र निवेदन है कि वे आप सब यह सुबह 8 बजे पधारे। कल सुबह 8 बजे जी। जय बोले आचार्य श्री गुप्त नंद जी गुरुदेव की, जय बोले आचार्य श्री देवनंद जी गुप्ति नंदी जी गुंदा नंदी जी गुरुदेव की। आज की सभा यहीं पे समाप्त करते हैं, और आज का हारदान सतीश जी मखे जो कि गुरुदेव के परम भक्त हैं, उनकी तरफ से भी उनको भी बहुत बहुत साधुवाद। कल आप सब लोग सुबह 7 बजे जुड़े, कल 9 प्रतिमाओं जो है जिन भी में वो नवग्रह जिन मंदिर में विराजमान होंगे, तो आप सभी लोग जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद। आज की सभा यहीं पे समाप्त करते हैं, अभी संहार के लिए गए, आप सबके माइक अनम्यूट करके आप भगवान के चरणों में नमोस्तु करें। नमस्ते भगवान, नमस्ते।